आइए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम निवेदन करते हैं, हमारे बीच मंच पर विराजमान हैं, आपने कई बार इनको सुना होगा, उनके YouTube चैनल पर अनिल साहब के नाम से आप जानते होंगे, तो उन्हीं से आज हमारे बीच में वो यहाँ पर विराजमान है, आज रूबरू उनसे उनके विचार सुनेंगे। संत श्री अखिलेंद्र साहब जी, और आपने इनको कई बार सुना होगा, उनका YouTube चैनल है अनिल साहब के नाम से, आइए आज रूबरू, सौभाग्य है आज हम उनको रूबरू सुनने का सौभाग्य प्राप्त करें। बोलिए सदगुरु देव की जय। बोलिए सदगुरु देव की। पंडाल में काफी लोग हैं और आवाजें नहीं आ रही है, मैं सबसे निवेदन करना चाहूंगा, आवाज बुलंदी की आवाज हो, सभी लोग स्ट्रिक्ट हो करके बैठेंगे, कुछ मिल जाए आपको, जीवन के रहस्य खुल जाए, कुछ मन में जो पर्दा छाया है, मन में जो अंधकार है, मन में जो काई कपड़ता है वो निकल जाए, जीवन सफल हो जाए। मान्यताओं और आडंबर में आज तक हम जीवन को यूं तबाह किए हैं। आइए शुरू करते हैं, एक बार जयकारा लगाएंगे सभी लोग, बोलिए सतगुरु देव की जय। सत्संग पंडाल में लोग इधर उधर चलेंगे नहीं, शांति से बैठेंगे, चलने की जगह नहीं है ये। मैं सदगुरु कबीर के एक साखी है, करु बहिया बल आपनी छाण बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे प्यास। सदगुरु कबीर एक ऐसे विचारधारा जो पूरे भारत में छाया हुआ है, और हर प्रवक्ता, हर गायक, हर व्यक्ति के जुबान पर सदगुरु कबीर की वाणी रहती है। सदगुरु कबीर जो बोलते हैं वो आदमी के दिल को छू जाता है, घात कर जाता है, और कहते हैं ऐ लोगों, बड़े प्यार से कह रहे हैं, ऐ लोगों कर बहिया बल आपनी, ऐ लोगों अपने बाहों बल पर भरोसा रखो, क्षण बिरानी आस, दुनिया की आशा भरोसा छोड़ दो। जिसके आंगन में नदी बह रही हो, पवित्र नदी बह रही हो, आदमी प्यासा मरे, सदगुरु कबीर साहब उदाहरण देते हैं, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे प्यास। और मैं समझता हूं हम सारे के सारे लोग प्यासे बैठे हुए हैं, ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, ज्ञान मिल रहा है, प्रकृति से खुली किताब है, हमको सुंदर जीवन मिला है, सुंदर विचार मिला है, पर भी आज हम अज्ञानता में हम ढके हुए हैं, आज भी हमारे अंदर अज्ञानता छाया हुआ है, इसलिए सदगुरु कबीर को कहना पड़ा, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे प्यास। आपके पास ज्ञान की एक नदी बह रही हो और आप प्यासा मर रहे हो, और सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, पानी में मीन प्यासी मोहि सुनी सुनी आवत हाँसी। आदमी कैसे अपने जीवन को तबाह करता है, जैसे मछली पानी में रह करके प्यासी हो, वैसे ही आदमी एक ज्ञान के सरोवर में रह करके प्यासा मरता हो। सदगुरु कबीर ने इस सारे चीजों को इसलिए कहा कि आदमी ने अपने से अलग हट करके भगवान, खुदा, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, परमात्मा, इनके नाम पर अपने समय और शक्ति को बर्बाद करते हैं, इसलिए सदगुरु कबीर को ये बातें कहना पड़ा, ए लोगों अपने बाहों बल पर भरोसा रखो। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, पंडाल में बैठे सभी लोगों से, अपने आप पर भरोसा रखना, अपने जीवन पर भरोसा रखना, अपने गुरु परंपरा पर भरोसा रखना, अपने कर्मों पर भरोसा रखना, अपने बाहों बल पर भी भरोसा रखना, दुनिया के भौतिक प्राणी और पदार्थों पर भरोसा करके, दुनिया के देवी और देवता, पाखंड और आडंबर पर भरोसा करके अपने जीवन को बर्बाद मत करना। आज भी लोग अपने जीवन को बर्बाद करने के लिए लगे हैं, आदमी न जाने कितने किलोमीटर भगवान के नाम पर अपने जीवन को, शरीर का, शरीर को कहना चाहिए, इतना तड़पाते हैं, शरीर को इतना कमजोर बना देते हैं, और ये सब भगवानवादी पंडितों का चाल है। मैं कड़वी बात कह रहा हूँ, आदमी ने, पंडितों ने आदमियों की बुद्धि को ऐसा कुंठित किया कि हर जगह भगवान 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 के नाम पर, भगवान कहाँ है उसको नहीं बताया, और मिट्टी पत्थर इसी में आदमी के बुद्धि को अटका दिया। भगवान के नाम पर आज धर्म में इतना अन्याय चल रहा है,
धर्म में इतना अनाचार हो रहा है, धर्म का परिभाषा ही उलट गया है, धर्म कुछ और हो गया है और धर्म कुछ अलग रह गया है। इसलिए आज भगवान आपके अंदर है उसको नहीं बताया गया है, आपके अंदर भगवान है उसे नहीं बताया गया। और भगवान के नाम पर आज इतने मंदिर बनते चले जा रहे हैं, मस्जिद बनते चले जा रहे हैं, इंसान के अंदर भगवान है वो दिखाई नहीं दिया। आज से कुछ महीने पहले तिरुपति बालाजी मंदिर के एक पुजारी के 3 बेटियों की शादी हुई, तीनों बेटी के शादी में सोना लाया गया, 1 क्विंटल 25 किलो सोना। कहाँ से कमा करके लाया? आप देते हैं पैसा, आपको ये पता होना चाहिए आपको दान कहाँ करना चाहिए। आज से 1.5 साल पहले तिरुपति बालाजी मंदिर के एक पुजारी के यहाँ रेड पड़ी तो 36 कैरेट सोना 3 करोड़ की संपत्ति निकली थी। कहाँ से आया पैसा? आपने दिया। क्यों आप भगवान के नाम पर अपने को बर्बाद करते हैं? भगवान के नाम पर बच्चे के विचारों को कुंठित करते चले जाते हैं और जादू टोना भूत प्रेत तंत्र मंत्र के नाम पर जैसे ही बच्चा पैदा होता है उनके गले में ताबीज पहना देते हैं, कुछ और पहना देते हैं। क्यों आप अपने बच्चे को कमजोर बनाते चले जाते हैं? क्या सदगुरु कबीर ने यही कहा? कोई पंडित पुजारी कहते हैं कि गुरुवार को उपवास रहो, कोई कहते हैं मंगल को उपवास रहो, कोई कहते हैं पीपल की पूजा करो, कोई कहते हैं व्रत की पूजा करो, कोई कहते हैं शंकर की पूजा करो, कोई कहते हैं नदी की पूजा करो, कोई कहते हैं और कुछ। किसकी बातें माने आप? समस्या तो ये है। आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगा, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सुनिए सबकी निबेरी अपनी। सदगुरु कबीर ने कहीं पर नहीं कहा मेरी पूजा करना, मेरी उपासना करना, मेरे नाम पर जप तप हवन तर्पण करना, लेकिन आज कबीर पंथी लोग भी बाजार लगा करके बैठे हैं। यहाँ तक भी कहा जाता है कबीर पंथ में सिर्फ एक है जो धर्म के, एक है जो मोक्ष के अधिकारी है, उन्हीं से ज्ञान लेने पर ही मोक्ष मिल सकता है। क्या मैं आपसे प्रश्न करना चाहूँगा, मोक्ष कोई पदार्थ है क्या? मोक्ष कोई वस्तु है क्या? मोक्ष कोई सामान है क्या जो आदमी उठा करके बांटता चला फिरे? मोक्ष तो मन की स्थिति होती है। गुरुदेव जी ने कहा मोक्ष मोह का क्षय हो जाना मोक्ष है। आप कितना अपने जीवन को परिमार्जित करते जाते हैं? क्यों आप अपने को तड़पाते हैं? क्यों आप अपने को तराशने का प्रयास नहीं करते हैं और बच्चे को सही विचारधारा की ओर नहीं ले जाते हैं? आज यहीं बैठे पंडाल में ना जाने कितने लोगों के गले में ताबीज होगा, क्यों ताबीज बांधा गया है पता ही नहीं उनको। ना जाने कितने लोग अंगूठी पहने हैं, क्यों अंगूठी पहने हैं पता ही नहीं है उनको। क्यों आप अपने को कमजोर बनाते हैं? सदगुरु कबीर का विचार यही विचार है जो एक भूचाल पैदा कर देता है, अपने अंदर लहर पैदा कर देता है। आज सदगुरु कबीर का विचार मिला है। एक जगह एक नई बहू शादी होने के बाद घर में आती है और घर में आने के बाद में उनकी सासू माँ कहती है बेटी चलो तुम तैयार हो जाना, नहा धो करके अच्छे से तैयार हो जाना, पूजा की थाली ले लेना, हमको एक मंदिर में पूजा करने के लिए जाना है। कोई किसी घर की बहू नहीं, आपके घर में घटना घट सकती है, हकीकत घटना है। वो माँ बोलती है बेटी तैयार हो जाना, मंदिर चलना है। पूजा की थाली तैयार हो गई, तैयार करने के बाद में बहू अपने माँ के साथ में, सासू माँ के साथ में पीछे पीछे चल रही है, पीछे पीछे चल रही है। एक मंदिर में माँ प्रवेश करती है, एक मंदिर में माँ प्रवेश करती है, बहू वहीं पर रुक जाती है। मंदिर में माँ पर चली गई, उसके बाद दूर से बुलाती है बेटी तुम आ जाओ यही मंदिर है। इतने में बहू बोलती क्या है माँ मुझे डर लग रहा है, तुम जहाँ खड़ी हो वहाँ आइड साइड बगल में शेर खड़ा हुआ है, मुझे उस शेर से डर लगता है, शेर से डर लगता है। माँ बोलती है बेटी ये शेर नहीं है, ये तो सिर्फ एक सीमेंट का कास्ट पत्थर का बना हुआ मूर्ति है, इसमें जान नहीं है, इससे तुम डरो मत, तुम मेरे पास आ जाओ यहाँ भगवान हैं। उनके कहने पर वो शेर के मूर्ति से डरती नहीं है बेटी, उनकी बहू डरती नहीं है, मंदिर में प्रवेश कर जाती है। मंदिर में प्रवेश करने के बाद माँ बोलती है बेटी पूजा करो। इतने में बहू बोलती है माँ किसकी पूजा करूँ, कहती हैं ये भगवान हैं। वो बेटी देखती है चारों तरफ सिर घुमा करके, कहते हैं कहीं भगवान मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। माँ बोलती है बेटी यही तो भगवान है। उसकी माँ बोलती है
बेटी यही तो भगवान है। बहू बोलती है, माँ जब बाहर में खड़ा हुआ शेर में जान नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं कर सकता है, तो ये काष्ठ का बना हुआ मूर्ति में जान और भगवान कैसे पैदा हो सकता है, आप बताइए। और इतना करने के बाद में वो बहू अपने माँ के चरणों में झुक जाती है, माँ के चरणों में लिपट जाती है। बहू बोलती है, हे माँ, तू ही मेरी असली भगवान है, तू ही मेरी देवता है, तू ही मेरी भगवान है, तुम्हारे अलावा इस दुनिया में मेरा कोई भगवान नहीं है। आज इंसान के साथ अन्याय हो रहा है, इंसान के साथ अत्याचार हो रहा है, जो खाते हैं उसका अन्न छीना जा रहा है और जो नहीं खाते उनको अन्न चढ़ाया जा रहा है, पूजा और पाठ के नाम पर, हवन और तर्पण के नाम पर, आज धर्म के नाम पर आपके घर में कुछ नहीं हो रहा हो, आपके घर में अमंगल ही अमंगल हो रहा हो, तो बस बेल पत्ते तोड़ लेना, शंकर भोले में चढ़ा देना, आपकी आपका हर काम अच्छा होगा। आप पीपल पत्ते तोड़ लेना और हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा देना, राम राम लिख देना, 108 पत्ते पर लिख देना, सब कुछ अच्छा होगा। यदि इतना अच्छा होता तो आज पूरा मंगल ही मंगल होता, आज हमारे भारत देश में हॉस्पिटल की जरूरत नहीं होती। जिन्होंने कहा कि आपके बच्चे यदि पेपर के दिन तैयार नहीं किया हो तो शंकर भोले में बेल पत्ते चढ़ा देना, आपके बच्चे पेपर में तैयारी नहीं किए हो पर भी पास हो जाएंगे, याद रखना उनके दोनों बच्चे पेपर में एग्जाम में फेल हो गए थे, जिन्होंने कहा था, मैं नाम नहीं बताऊंगा। बड़े प्रसिद्ध व्याख्या कथाकार है, उनके दोनों बच्चे फेल हो गए थे, उनको चाहिए था कि अपने बच्चे को पहले बेल पत्ते चढ़वाना चाहिए था। आप क्यों अपने जीवन को भगवान के नाम पर, और पंडितों ने ऐसा पासा फेंका है, आदमी की बुद्धि को ऐसा कुंठित करता चला गया है, जो कुछ होता है भगवान की कृपा से होता है, गुरुदेव जी कहा करते हैं, जो कुछ होता है भगवान की कृपा से होता है। तो आज नक्सलाइड आतंकवाद के हाथों से जो गोलियां और बारूदें चुभ चल रही है, वही तो भगवान की कृपा है, वो भी तो भगवान की कृपा है। क्यों आप भगवान के नाम पर दुनिया का शोषण करते हैं? आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगा, बच्चे पैदा हो उनको अच्छा शिक्षा दीजिए, अच्छा संस्कार दीजिए। बच्चे पैदा होते ही उनके भूख झाड़ फूक शुरू हो जाता है, बच्चा पैदा होते ही उनके गले में ताबीज पहना दिया जाता है, उनके हाथों में उनके कमर में धागा पहना दिया जाता है, क्या इससे मंगल होगा? क्यों आप अपनी बुद्धि को विकसित नहीं करते हैं? सदगुरु कबीर के विचार को पा करके आज बुद्धि को विकसित नहीं किया आपने, तो कब विचार को आप अपने जीवन का विकसित कर पाएंगे? आप आज एक ऐसा लहर चला है जहां सिर्फ मान्यता के आधार पर आदमी को गढ़ता चला जा रहा है, मान्यता और कर वो पंडितों ने ऐसा पासा फेंका। आदमी आप घर बना सकते हैं, लेकिन घर बना सकते लेकिन उसमें गृह प्रवेश नहीं कर सकते। गृह प्रवेश कब होगा? जब शुभ मुहूर्त निकलेगा और पंडित आएगा तब गृह प्रवेश होगा। आप बच्चा पैदा कर सकते हैं लेकिन बच्चे का नाम नहीं रख सकते, नाम रखेंगे तो कौन रखेंगे? आप ब्राह्मण पंडित ही रखेंगे। आप बच्चे के लिए लड़की ढूंढ सकते हैं, लड़का ढूंढ सकते हैं, लेकिन शादी आप नहीं कर सकते। शादी करेंगे तो सिर्फ ब्राह्मण करेंगे, पंडित करेंगे, दूसरा नहीं कर सकते। आप गाड़ी ले सकते हैं लेकिन गाड़ी का उद्घाटन, गाड़ी का शुरुआत ब्राह्मण और पंडित की पूजा के बाद ही हो सकता है। इतना विशेष ढंग से श्री राम का मुहूर्त शोधा गया था, श्री राम भगवान का मुहूर्त तीन बड़े बड़े विद्वान शोधे थे, लेकिन मुहूर्त के चक्कर में उनको कभी सुख और सकून नहीं मिला। पूरे हमारे भारतीय परंपरा में रामायण साक्षात प्रमाण है। आप कौन सा मुहूर्त देखते हैं? क्यों आप जब पैदा होते हैं तो बिना मुहूर्त के पैदा होते हैं, जब इस दुनिया से अलविदा होते हैं तो बिना मुहूर्त के इस दुनिया से अलविदा हो जाते हैं, लेकिन जीवन जीते हैं तब मुहूर्त देखते हैं? जन्म लेते हैं बिना मुहूर्त के, पैदा लेते हैं बिना जन्म लेते हैं पैदा होता है, बिना मुहूर्त के मृत्यु होती है बिना मुहूर्त के। और जब जीवन को सुधारना है, जीवन का अच्छा काम करना है, जीवन को तराशते जाना है, जीवन में अच्छा और सफल व्यक्ति बनना है, तब मुहूर्त देखा जाता है। क्यों आप अपने बुद्धि को कुंठित करते चले जा रहे हैं? विकास करिए। आज हमारे भारत देश में मंगल ग्रह यहाँ से 245 लाख किलोमीटर दूर है, लेकिन सिर्फ नुकसान होता है तो लड़की और लड़का के शादी में मंगल ग्रह का काम है टांग अड़ाना, उनका और कोई काम नहीं है, सिर्फ लड़की और लड़कों के शादी में टांग अड़ाया करते हैं। आदमी को सब पर भरोसा होता है
लेकिन अपने आप पर भरोसा नहीं होता, अपने कर्मों पर भरोसा नहीं होता, अपने गुरु परंपरा पर भरोसा नहीं होता है। आदमी को पत्थर पर भरोसा है, अंगूठी पर भरोसा है, सोने चांदी पैसा पर भरोसा है, लेकिन अपने जीवन पर भरोसा नहीं है, अपने जीवन पर भरोसा नहीं है। क्यों? आप अपने जीवन को तबाह करते चले जा रहे हैं। सुंदर जीवन का निर्माण करिए। आप पैदा होते हैं, आज सुंदर विचार मिला है, सुंदर मन मिला है, सुंदर वातावरण मिला है, आज जीवन को तराशना चाहिए, जीवन को सफल बनाना चाहिए, शांति का जीवन जीना चाहिए। यहाँ से एक सूत्र लेकर के जाइए। कल भी परसों भी मैंने कहा था, माता पिता का सम्मान करना मत भूलना। माता पिता ही आपके उद्धारक है, और उस माँ बाप को कभी मत तरसाना, उस माँ बाप को कभी तकलीफ मत देना, उस माँ बाप को कभी पीड़ा ना हो। कभी माँ बाप के आंखों में आपके वजह से आंसुएं नहीं आनी चाहिए। कबीर पंथ यही सिखलाता है। दुनिया में हर व्यक्ति पैसा कमाना सिखाता है, लेकिन कबीर पंथ साधु संत पैसा का कैसे सदुपयोग करना चाहिए, जीवन को कैसा जीना चाहिए तरीका सिखाते हैं। आप सभी को मैं अनेक अनेक धन्यवाद देते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। हेलो, एक बार पुनः जोर से जयकारा लगाएं। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। बहुत सुंदर हम लोगों ने पूज्य साहिब जी के विचार सुने। आपने ये बहुत गौर से देखा होगा और समझा होगा इस बात को कि आपको सद्गुरु कबीर के विचारों से जो निर्भयता आपके अंदर में पैदा होती है, सद्गुरु कबीर के विचारों से जो आपका जीवन सजता है, वो आपने जीवन में बदलाव देखा होगा। नहीं तो आज धर्म के नाम पर अनेकों धर्म कथावाचक लोग बाहर बैनर लगवा देते हैं और पांडाल के बाहर लिखवा देते हैं कि आप अपने जूते और बुद्धि को यहीं रख करके पांडाल के अंदर प्रवेश करें। क्योंकि धर्म का मामला है, भगवान का मामला है, इसमें आप तर्क नहीं कर सकते, इसमें आप कोई प्रश्न नहीं कर सकते, क्योंकि ये धर्म का मामला है। और सद्गुरु कबीर का मंच, सद्गुरु कबीर के अनुयायी ये आपको नहीं सिखाते हैं, आपकी बुद्धि को तर्कशील करते हैं, आपको विचार करने पर मजबूर करते हैं। आप उन विचारों को आपके अंदर में सत्यासत्य की बुद्धि जगाने का प्रयास करते हैं। ये क्रांतिकारी विचार आपको उस मंजिल तक पहुंचाते हैं जिस मंजिल की आप खोज करते हैं। आदमी के जीवन में जब दुर्बुद्धि आ जाती है तो आदमी का जीवन ही खराब हो जाता है। आज दुर्बुद्धि के कारण ही आज घर में आपस में जो कलह है, लड़ाई है, झगड़ा है, वो दुर्बुद्धि का ही परिणाम है। आज पिता पुत्र में बात नहीं बनती है, सास बहू देवरान जेठान, समाज में इसका किसका परिणाम है? ये दुर्बुद्धि का ही परिणाम है, क्योंकि हमारी बुद्धि ही खराब हो गई है, हमारी समझ ही खराब हो गई है, इसलिए हमारे जीवन में दुख बना हुआ है। आज आदमी कैसे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं आपस में, भाई 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 में बातें नहीं बनती है, पिता पुत्र में बात नहीं बनती है, सास बहू में बातें नहीं बनती है। आज तो ऐसी ही लड़ाइयाँ होती है सास बहू में, मानो भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है। यहाँ हम सब आए हैं अपने जीवन को बदलने के लिए, यहाँ दुर्बुद्धि को दूर करने के लिए, लेकिन हम इतना दिन से सत्संग सुन रहे, हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो पाया है, हमारे जीवन में कोई बदलाव ही नहीं हुआ है, क्योंकि हमने अपने जीवन को सत्संग में, हमने सत्संग को अपने जीवन में कभी नहीं उतारा है, इसलिए हमारे जीवन से दुख दूर नहीं हो पा रहा है। ये सत्संग को परिवर्तन और परिवर्तक कहा गया है। जहाँ से आपका जीवन बनता है, जहाँ से आपका मन बनता है, जहाँ से आपका कर्म बनता है, लेकिन आपने सत्संग को सिर्फ जीवन में नहीं उतारा, सिर्फ पंडाल में ही छोड़ा है। ऐसे ही एक बार एक संत बता रहे थे कि आप सत्संग सुनते हो, सत्संग को जीवन में धारण करो। एक युवक ने प्रश्न किया, महाराज इतनी सत्संग पाठ कथा, भारत देश धर्म प्रधान देश है, फिर भी आदमी के जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं होता है? आदमी के जीवन से क्यों नहीं दुख दूर हो पाता है? क्यों नहीं सास बहू में प्रेम बढ़ता है? क्यों नहीं पिता पुत्र में प्रेम बढ़ रहा है? आदमी इतना सत्संग सुनने के बावजूद भी। संत ने कहा, मैं तुम्हें प्रैक्टिकल करके बताऊं? कहा, जी महाराज। वो युवक चला जाता है। संत ने कहा, बेटा यहाँ कहीं शराब की दुकान है?
युवक कहाँ शराब की दुकान है, और युवक दुकान चला जाता है, शराब खरीद कर लाता है, और संत ने कहा इस शराब की बोतल को तो ढक्कन को खोलो, वो युवक शराब की बोतल के ढक्कन को खोलता है। संत ने कहा बेटा इस शराब को तुम गिलास में डालो, वो युवक गिलास में डालता है शराब को। संत ने कहा बेटा तुम इसे पी जाओ, वो युवक ने कहा महाराज मैं सत्संगी हूँ, मैं कभी शराब नहीं पीता हूँ। संत ने कहा मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम शराब तो पियो लेकिन याद रखना, वो युवक शराब को उठाता है, गिलास को उठाता है, अपने मुख में डाल लेता है। संत ने कहा बेटा तुम याद रखना, शराब को अंदर जाने मत देना, तुम मुख में ही रखना। वो युवक मुख में ही शराब को रखा। संत ने कहा तुम थोड़ी देर बाद मुख से निकाल कर फेंक दो, वो युवक मुख से शराब निकाल कर फेंक देता है। संत ने पूछा तुम बताओ बेटा तुम्हें कितना नशा आया। उस युवक ने कहा महाराज मैं सोचता था आप थोड़ा कम पागल है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा पागल आप ही है। कहा कैसे बेटा? कहा मैं जब शराब को अंदर जाने ही नहीं दिया तो नशा कैसे लगेगा। संत ने कहा ठीक बेटा, इसी प्रकार से आदमी तो सत्संग तो सुनता है, आदमी पूजा पाठ तो करता है, चंदन तो लगाता है, सिर्फ बाहर की दिखावा है, सत्संग के आदमी जीवन में धारण नहीं किया। जिस दिन आप सत्संग को अपने जीवन में उतार लेंगे आपका परिवार आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। सिर्फ सत्संग को आपने पंडाल में ही रखा है, जैसे पंडाल से उठा, जब तक आदमी पंडाल में बैठा रहता मन तो शांत है, जैसे पंडाल से उठा फिर आदमी तंबाकू खाना शुरू कर देता है, फिर आदमी झूठ बोलना शुरू कर देता है, फिर आदमी लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देता है। बंधुओं आप सत्संग को सिर्फ पंडाल में न रखो, सत्संग को आप अपने घर में ले जाओ, जीवन में उतारो। ये सत्संग परिवर्तन परिवर्तक कहा गया है और यहाँ से आपका जीवन में बदलाव होना चाहिए। साहेब कहते सकलो दुर्मति दूर करो अच्छा जीवन बनाओ। आपका जीवन क्या ज़्यादा जीवन को सुंदर बनाने के लिए ज़्यादा पैसा लगता है? जीवन को सुंदर बनाने के लिए ज़्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं, जीवन को सुंदर बनाने के लिए अच्छी समझ की आवश्यकता है। आज जीवन कहाँ सुंदर हो पा रहा है? आदमी अपने जीवन से इतना दुखी है, आदमी अपने जीवन से इतना परेशान है, क्या कहा जाए। आदमी के पास खाने के लिए सब कुछ है लेकिन फिर भी आदमी दुखी है, क्योंकि आदमी का जीवन सुंदर नहीं है। आपका जब जीवन सुंदर नहीं होगा, जब आपका मन पवित्र नहीं होगा, जब आपका कर्म पवित्र नहीं होगा, तो आपके दुनिया में कोई आदमी सुखी नहीं कर सकते हैं। ये सत्संग को आप अपने जीवन में उतारो। आपका घर आपका परिवार मंदिर है, उस मंदिर में आप कभी लड़िए मत, उस मंदिर में आप कभी झगड़िए मत, और उस मंदिर में कभी शराब मत पीजिए। जैसा आपका संस्कार होगा, जैसा आपका विचार होगा, वही संस्कार आपके बच्चों पर भी पड़ेगा। आप खुद लड़ रहे हैं झगड़ रहे हैं और आप चाहते हमारे बच्चे बुद्ध महावीर कबीर बने तो कैसा हो पाएंगे। आपने वर्षों से सत्संग सुन रहे हैं पूजा पाठ कर रहे हैं लेकिन आपका जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्या मतलब सत्संग सुनने से। सत्संग को आप अपने जीवन में उतारिए, ये सत्संग यहाँ बदला जाता है। और यहाँ आप संकल्प लेकर जाइए आपने अपने जीवन को बदलिए। ऐसे एक बार एक संत संकल्प करवा रहे थे कि भाई आए हो यहाँ कुछ न कुछ बदल कर जाओ, कुछ न कुछ बदलो। एक युवक खड़ा हो गया, किसी ने कहा महाराज जी मैं तंबाकू छोड़ रहा हूँ, किसी ने कहा महाराज जी मैं झूठ बोलना छोड़ रहा हूँ, किसी ने कहा मेरे परिवार में प्रेम नहीं, आज से मैं प्रेम से जीवन जीऊँगा। सबने संकल्प लिया, संत ने कहा कुछ न कुछ छोड़ कर जाओ। एक युवक खड़ा हो गया, उन्होंने कहा महाराज मैं भी छोड़ रहा हूँ। संत ने कहा बताओ बेटा तुम क्या छोड़ रहे हो। युवक ने कहा महाराज मैं भी छोड़ रहा हूँ। संत ने कहा अरे बेटा किसी ने कहा मैं शराब छोड़ रहा हूँ, किसी ने कहा मैं तंबाकू छोड़ रहा हूँ, तुम क्या छोड़ रहे हो बताओ। उस युवक ने कहा महाराज आज से मैं सत्संग ही छोड़ रहा हूँ, आज से मैं सत्संग ही छोड़ रहा हूँ। बंधुओं याद रखना, आदमी झूठ बोलना नहीं छोड़ सकता है, आदमी शराब पीना नहीं छोड़ सकता है, आदमी लड़ना झगड़ना नहीं छोड़ सकता है, गलत काम नहीं छोड़ सकता है, लेकिन सत्संग को छोड़ देता है। यहाँ कुछ न कुछ बदलो, संत कह रहे थे कुछ न कुछ बदलो। एक आदमी ने कहा भैया संत ने कहा कुछ न कुछ बदलो, चलो मैं पुराना चप्पल लेकर आया, नया किसी को ले लिया, मैं चप्पल ही बदल लेता हूँ।
तो बंधुओं, चप्पल बदलने से जीवन नहीं बदलता है, जीवन बदलता अच्छे संस्कारों से, अच्छे विचारों से और अच्छे कर्मों से। ये अच्छे सुंदर विचार और अच्छे संस्कार हमें ये संतों और गुरुजनों द्वारा मिलता है। इन विचारों को हम जीवन में उतार कर, उसे जब जीवन में उतारेंगे तब हमारा घर और परिवार, आपके बच्चों को पता चले कि हमारे माता पिता या हमारे भाई या जो मेरी माँ इलाहाबाद सत्संग गए थे, गुरुदेव स्थान गए थे, जहाँ से उन्होंने जीवन को बदल कर आए हैं, ये पता चले तो मैं कुछ देर सदगुरु कबीर साहब की साखी पर, शकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जीवन बनाओ। हम सब यहाँ जीवन को बदलने के लिए आए हैं, जीवन को सुंदर बनाने के लिए आए हैं। मैं कुछ देर कुछ कहने का प्रयास किया, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, सदगुरु अभिलाष साहेब की जय। एक बार भाई जोर से जयकारा लगाओ। जब माताएं लोग आपस में लड़ती है कितनी दूर तक आवाज जाती है, तो जोर से जयकारा एक बार लगाओ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, सदगुरु अभिलाष साहेब की जय। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबको साहेब बंदेगी साहेब। अभी हम लोग बहुत सुंदर विचार हमारे साथी से सुने, बहुत सुंदर हम लोगों ने साहेब जी से उनके क्रांतिकारी विचार सुने। आइए इस प्रवचन को आगे इस श्रृंखला में मैं निवेदन करता हूं, हमारे बीच विराजमान हैं संत श्री धनेंद्र साहेब जी। ये बहुत काफ़ी आश्रम की व्यवस्था में व्यस्त रहते हैं, आज आइए अवसर है उनके कुछ विचार हम लोग श्रवण करें। संत श्री धनेंद्र साहेब जी, समय 15 मिनट। हेलो, एक बार सब लोग जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु श्री अभिलाष साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की। कबीर नामं परमं पुनीतं युगे युगे स्वामी हरति दुःखं, दातार मुक्तं पुरुषं पुराणं, चरणारविंदं सततं नमामि, चरणारविंदं सततं नमामि। परम पूज्य गुरुदेव जी, आत्मज्ञान के प्रेरणा स्रोत, वंदनीय संत समाज, सत्संग की सरिता में उपस्थित आत्मीय बंधुओं, सज्जनों, माताओं एवं प्यारी प्यारी बहनों और इस वसुंधरा की गोद में खेलने वाले नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबके बीच चंद पलों में थोड़ी सी बात प्रस्तुत है। हम जो जीवन जी रहे हैं, क्या हम इससे संतुष्ट हैं? यह 3 दिनों का वार्षिक सत्संग समारोह, 46वां वार्षिक सत्संग चल रहा है। आप सब अनेक संतों के द्वारा बहुत ही सुंदर सुंदर विचार श्रवण कर चुके हैं, और उस सत्संग का खास और मूल उद्देश्य यही है कि हम यहाँ से जीवन जीने की कला सीख करके जाएं। दुनिया का हर विश्वविद्यालय, दुनिया का हर कॉलेज स्कूल आपको यह सिखाता है कि आपको धन कैसे कमाना है और धन को खर्च कैसे करना है। इसके लिए अनेक ऐसे जगह हैं जहां पर आप जा करके संतों के, गुरुजनों के
ऐसे ऐसे लोग हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जो आपको एक अच्छे ढंग से निवेश करने का तरीका बता देते हैं। लेकिन इस दुनिया में, इस धरती में ऐसा एक भी विश्वविद्यालय या गुरुकुल या फिर कोई स्कूल ऐसा नहीं है जहां पर आप यह जान सकें कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। क्या आपको कोई भी ऐसा विश्वविद्यालय मिला है जहां आप दुखी हों और जाकर के खुशनुमा महसूस कर सकें? क्या आपको कहीं भी ऐसा जगह मिला है जहां पर आप जाएं और आपका मन प्रसन्न हो जाए? कहीं भी आप जाएं तो हमेशा दुख ही महसूस करेंगे, असंतुष्ट ही महसूस करेंगे, किंतु वो एक ऐसा जगह है जहां आप जा करके अपने मन को, अपने जीवन को तराशने का काम कर सकते हैं और आपका जीवन सुखमय और शांतिमय हो सकता है। वो जगह है, वो स्थान है, ये हमारा आश्रम, या कहें जहां भी सत्संग होता है। इसलिए तो कहा गया है, जहां सत्संग होता है वहां पर नीत जाओ तुम, वहां पर नीत जाओ तुम, हमें फुर्सत नहीं कह कर ये मौका मत गवाओ तुम, ये मौका मत गवाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं है, यह करके हम हर काम को टाल सकते हैं, लेकिन एक काम ऐसा है जिसे आप कभी नहीं टाल सकते। क्या कभी आप मुहूर्त देख करके वो काम करवा पाएंगे? क्या कभी आप ऐसा कोई पंडित है जो बता पाएगा कि तुम्हारी मृत्यु इस दिन होगी? दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान या प्राणी नहीं है जो आपको ये बता सके कि तुम्हारा इस मुहूर्त में मृत्यु होगी। लेकिन उससे पहले, इस दुनिया से पलायन करने के पहले, अपने जीवन को इस ढंग से सुंदर बना लें, इस ढंग से अच्छा बना लें कि आपकी मृत्यु कभी भी, किसी भी क्षण, किसी भी जगह हो, आप हमेशा हंसते हुए जाएं। सद्गुरु कबीर ने कहा, क्या कहा है, हम सद्गुरु कबीर को मानते हैं लेकिन सद्गुरु कबीर की नहीं मानते। सद्गुरु कबीर को मानते हैं लेकिन सद्गुरु कबीर की नहीं मानते। सद्गुरु कबीर हमेशा कहते हैं कि पहाड़ और पत्थरों में सिर टेकने से कुछ भी नहीं मिलने वाला। आप सब वो साखी जानते हैं, आप सबको याद भी आ गया है कि पहाड़, पर्वत, देवी देवता, किसी के सामने सिर झुकाने से कुछ नहीं मिलने वाला है। मिलेंगे कहां? जहां आपके समक्ष संत गुरुजन हैं, भगवान। आप यदि किसी दुनिया में किसी को ढूंढना चाहते हैं तो वो है संत गुरुजन, और उन्हें ही ढूंढिए। मेरा यहां पर कुछ कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि यदि आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं, सुखपूर्वक जीवन जीना चाहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक काम करिए, और वह काम है अपने मन को सुंदर बना लीजिए, अपने विचारों को सुंदर बना लीजिए। क्योंकि आप जैसा सोचते हैं, आप जैसा विचार करते हैं, आपकी जैसी थिंकिंग है, आपका जीवन वैसा ही बनता है। ये 110% श्योर है। You think positive, you make positive. You think negative, you makes negative life. आप यदि सुंदर जीवन बनाना चाहते हैं, सुंदर मन बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ काम करिए। जैसे आपको प्यास लगती है तो आप क्या करते हैं? पानी की व्यवस्था करते हैं।
आपको भूख लगती है तो भोजन की व्यवस्था करते हैं, आपको ठंडी लगती है गर्मी लगती है तो उसके बचने के लिए कपड़े की व्यवस्था करते हैं, शॉल की व्यवस्था करते हैं, जैकेट की व्यवस्था करते हैं, और रहने के लिए मकान चाहिए तो उसके लिए भी आप सुंदर से सुंदर घर बनवाते हैं, मकान बनवाते हैं। लेकिन आपका मन जब दुखी हो, आपका मन जब असंतुष्ट हो, आपका मन जब खिन्न हो, तो आप क्या करते हैं उस समय? आप क्या करते हैं उस समय? आप सिर्फ और सिर्फ रोते हैं, सिर्फ और सिर्फ रोते हैं। मैं अक्सर कहा करता हूं कि इस दुनिया में जब कोई बच्चा पैदा होता है, इस दुनिया में जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे दुनिया का हर काम सिखाना पड़ता है। एक छोटा बच्चा है, अगर उसे दूध पीना भी हो तो माँ उसे पीना सिखाती है, तभी वो बच्चा दूध पी पाता है। वो अपने से पीना भी नहीं सीख पाता है, चलना फिरना उठना बैठना बोलना खाना पीना पढ़ना लिखना हर चीज हमें सिखाना पड़ता है। लेकिन दुनिया में सिर्फ एक काम ऐसा है जिसे कभी किसी को भी नहीं सिखाना पड़ता। दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक काम ऐसा है जिसे कभी भी किसी को नहीं सिखाना पड़ता, और वो हर बच्चा भी जानता है। वह क्या है? वह है रोना। बच्चे रोते हैं तो आप उसको रोना सिखाते नहीं हैं। वो बच्चा जैसे ही जन्म लेता है वो रोना शुरू कर देता है और बता देता है कि मुझे जिंदगी भर रोते हुए जीना है। यदि हम उस बच्चे को जीवन जीने का तरीका सिखा दें, उस बच्चे को हम अच्छे ढंग से जीवन जीने का सलीका सिखा दें, तो उस बच्चे का रोना हम बंद करा सकते हैं, बशर्ते वो उस बात को समझने लायक हो। मेरा कहने का बस इतना ही मकसद है कि हम अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए अपने जीवन को देखें, विचार करें और अपने मन को संवारने का काम करें। मैं हमेशा यही कहा करता हूं कि अपने मन को संवारने का काम करें। जब तक हम अपने मन को सजाएंगे नहीं, अपने मन को सुधारेंगे नहीं, तब तक हमारा जीवन सुंदर बन ही नहीं सकता। हम जितना भी प्रयास कर लें, लाख उपाय कर लें, अगर हमारा मन सही नहीं है, हमारा विचार सही नहीं है, तो हम कभी भी जिंदगी में खुश महसूस नहीं कर सकते, हम कभी सुखी रह ही नहीं सकते। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम अपने विचारों को देखें, हमेशा पॉजिटिव अच्छे ढंग से सोचने का काम करें। जब भी आप सोचें, दूसरों के लिए हो चाहे अपने लिए हो, दूसरों के लिए भी कभी भी गलत बात ना सोचें। हमारे आज की इस युवा पीढ़ी में, आज के इस जनरेशन में हर तरफ विषयों का बाजार है। जहां आप जाएंगे लोग गलती ही देखना शुरू कर देते हैं। सदगुरु कबीर ने कहा है ना, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई। हम दूसरों में गलती ना ढूंढें, हम अपने विचारों को देखें, अपने अंदर गलती ढूंढने का काम करें। और जिस दिन हम अपनी गलतियों को ढूंढ करके उसे निकालने का काम कर लेंगे, आप अच्छे ढंग से, सच्चे ढंग से सुखी पूर्वक जीवन जी सकते हैं। मैं आप सबके बीच कुछ देर निवेदन प्रस्तुत किया, और मेरे कहने का सिर्फ और सिर्फ मकसद यही है कि हम अपने जीवन को सुंदर बनाएं, और सुंदर बनाने के लिए अपने विचारों पर ध्यान दें। जब तक आपके विचार सुंदर नहीं होंगे, आपका जीवन सुंदर नहीं हो सकता। इसलिए हम सब आज संकल्प लें कि आज से हम अपने विचारों को अच्छे ढंग से सुंदर बनाएंगे और अपने जीवन को खुशनुमा बनाएंगे। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, सदगुरु अभिलाष साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की, साहेब बंदगी साहेब। बहुत सुंदर। हम अभी विचार सुन रहे थे साथी के कि जीवन भर आदमी रोता रहता है,
जब से जन्म लेता है रोना शुरू कर देता है। प्रकृति का नियम है कि रोते रोते पैदा होना, और नहीं रोओगे तो रुलाओ जाओगे, पीटा जाता है जब पैदा होता है। रोते रोते पैदा होना प्रकृति का नियम है, लेकिन रोते रोते मरना ये नियम नहीं है, ये आपके हाथों में है। आप चाहें तो हंसते हंसते भी मर सकते हैं, हंसते हंसते भी ये संसार से जा सकते हैं। बस अपने कर्मों को संभालना है, अपनी आदतों को संभालना है। बहुत सुंदर विचार हम लोगों ने श्रवण किए। आइए आगे विचार रखने के लिए मैं निवेदन करता हूँ संत श्री शिवेंद्र साहिब जी से। आप आएँ और कुछ क्षण हम लोगों को अपने विचारों से लाभान्वित करें। संत श्री शिवेंद्र साहिब जी, बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की। परम पूज्य गुरुदेव जी, मंच में विराजमान संत गुरुजन, भक्त प्रेमी सज्जनों, माताएं बहनों, आप सब इस प्रयागराज के वार्षिक कार्यक्रम में आप सब पधारे। संतों के भजन विचारों से लाभान्वित हो रहे हैं। आए कुछ देर मैं भी आप लोग के बीच उपस्थित हूँ। आप सत्संग में आए और सत्संग में आ करके क्या सीखते हैं हम? ज्ञान चर्चा सुन करके हम अपने जीवन को बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं? जो हमारे जीवन को परिवर्तन कर दे, ऐसे विचारों को सुन करके क्या हम अपने जीवन में कोई परिवर्तन कर रहे हैं? सत्संग तो हम सुनते हैं, ज्ञान की चर्चा को भी सुनते हैं, लेकिन जो परिवर्तन होना चाहिए, जैसे आप बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, या कोई चीज़ की कमी होती है तो उस कमी को पूरा करने के लिए ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जो उस कमी को पूरा कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे जीवन में जो कमियां हैं या कमजोरियां हैं, उनको पूरा करने के लिए हम कहाँ जाते हैं? सत्संग में। हमारे अंदर में जो कलिमस है, हमारे अंदर में जो बुराई है, जो मोह ममता है, उसको हम दूर कैसे करें? ये हमारे अंदर एक पिपासा होनी चाहिए, एक जिज्ञासा होनी चाहिए, प्यास होना चाहिए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। क्या वो प्यास हमारे अंदर है? और यदि नहीं है तो पानी के पास जाने के बावजूद भी हम प्यासे रह सकते हैं। ज्ञान के बीच, ज्ञान को ज्ञान में निबज्जन करते हुए भी हम उनसे दूर हो सकते हैं, उससे हम वंचित हो सकते हैं। इसलिए ये जो ज्ञान गंगा बह रहा है, ज्ञान के सरिता आप लोग के बीच में है, उन ज्ञान सरिता में निबज्जन करें, उनसे कुछ प्राप्त करें, अपने जीवन को परिवर्तन, क्योंकि ये जो सत्संग जो होता है ना, जीवन परिवर्तन केंद्र होता है। आप कई केंद्र के नाम सुने होंगे, लेकिन ये जो सत्संग क्या है, आपके जीवन को बदल के रख देता है, आपके विचारों को परिवर्तन बदल के रख देता है। इसलिए ऐसे जो ज्ञान की बातें होती है, उनको हम अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करें। केवल सुनते ही ना जाए, केवल चर्चा का विषय ही ना बनाए हम इसको, बल्कि परिवर्तन का
केंद्र बनाए। तो सदगुरु कबीर भी कहते, सदगुरु कबीर की पद है छोटा सा, उसमें कुछ पंक्तियां हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं कि माया मोह मोहित किन्ना, ताते ज्ञान रतन हरि लीना, जीवन ऐसो सपना जैसो जीवन सपन समाना, शब्द गुरु उपदेश दीन होते छाणे परम निधाना। सदगुरु कबीर इस पद में क्या कहते हैं, माया मोह, हम ज्ञान की चर्चा सुनते क्या करते, माया मोह को छोड़ने के लिए आए हैं ना। जो हमारे मन में जो किसी के प्रति मोह हो जाता है, किसी के प्रति आसक्ति हो जाती है, अच्छा माया है क्या? सदगुरु कबीर ने साखी में कह साफ कह दिया है, माया माया सब कहे, माया लखे न कोई, जो मन से न उतरे माया कहिए सोए। यही तो माया है। जो हम किसी व्यक्ति हो या प्राणियों पदार्थ दो है, प्राणियों के प्रति होता है उसको क्या मोह कह देते हैं, और जो पदार्थ के प्रति होता है उसको लोभ कहते हैं। तो लोभ और मोह में आदमी फंस जाता है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं माया मोह मोहित किन्ना, माया के मोह ने आदमी को मोहित कर दिया है, और क्या के ताते इसलिए उनके ज्ञान रतन को छीन लिया है। वो जब मोह में पड़ जाते हैं, पुत्र के मोह में या पद के मोह में, प्रतिष्ठा के मोह में, तब फिर वो विवेक खो देता है। वो विवेक नहीं कर पाता है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, वो समझ नहीं पाता है मुझे करना क्या है क्या नहीं करना है। तो ये क्या है, जब हम किसी के प्रति मोहित हो जाते हैं या किसी के प्रति आसक्ति हमारी बन जाती है, तो उसको देखे बिना उसको बात किए बिना हमारे मन बेचैन रहता है। तो ऐसी बेचैनी को हम अपने मन में ना बैठाएं, ऐसे बेचैनी को हम अपने मन से अपने अंदर से दूर भगाएं, यही तो सत्संग का लाभ है। और यदि हम ऐसे भी करते रहें, मोह करते रहें, हमारे मन में किसी के प्रति लालसाएं बनी रहें और हमारा मन उद्वेगित होती रहे होते रहे, तो फिर काम बनने वाला नहीं है। इसलिए सदगुरु कभी माया मोह मोहित किन्हा ताते ज्ञान, ज्ञान को हर लेता है, समझ को समाप्त कर देता है। संत गुरुजन यहाँ आकर के हमें ज्ञान की उपदेश दे रहे हैं, ज्ञान की बातें हमें बता रहे हैं, शब्द गुरु उपदेश दिन होते छाड़े ऊपर, लेकिन उसके बावजूद भी हम जो परम निधान है, जो अपना आपा है, अपना स्वरूप है, उसको हम बोध नहीं प्राप्त कर पा रहे। क्यों? क्योंकि ऐसी ऐसी वाणियाँ हैं, ऐसी ऐसी ग्रंथ हैं, उसमें हमें उसको हम पढ़ करके सुन करके हम भटक जाते हैं। रोचक वाणियाँ होती है, भयानक वाणियाँ होती है और यथार्थ, लेकिन रोचक और भयानक में हम फंस जाते हैं, यथार्थ तक हम पहुँचते ही नहीं हैं। रोचक कहानी कथा को सुनकर के हमारे मन कितना अच्छा लगता है, भयानक में हमको क्या भय दिया जाता है, लेकिन बस उसी दो में हम फंस करके हम अपने जीवन को चलाते रहते हैं और भटकाते रहते हैं और भटकते रहते हैं। इसलिए आवश्यकता है जो संत गुरुजन हैं वो हमें यथार्थ बोध देते हैं, शास्त्रों में जो है या कहीं भी जो हमें यथार्थ बोध देते हैं, उन गुरु संतों के हम चरण चरणों में जाएं, उनके पास जाएं, उनके पास बैठे, तभी तो हमें पता चलेगा कि हकीकत क्या है। नहीं तो कितने ऐसे गुरु हैं जो आज भटका रहे हैं नदी के नाम पर, तीर्थों के नाम पर, मंदिरों के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर, न जाने कहाँ कहाँ आपको नाक रगड़ने में मजबूर कर देते हैं। उसके बाद भी हमें ज्ञान नहीं होता है, वहाँ हम अपने धन को, पद को, प्रतिष्ठा को भी दांव में लगा देते हैं, लेकिन फिर भी हमें बोध प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसे संतों, ऐसे गुरुजनों के पास हम जाएं, ऐसे जो रहनी संपन्न, ज्ञान गुण संपन्न संत जन हमारे पास विराजमान है, रहनी संपन्न है, ज्ञान गुण से संपन्न है, ऐसे गुरुजनों के पास आकर के भी यदि हम ज्ञान की चर्चा सुने और जीवन में कोई परिवर्तन ही ना लाए, तो फिर हमारा जो सत्संग करना, संतों के पास जाकर के बैठना, उनके ज्ञान चर्चा को सुनना, सुनने से फिर कोई लाभ होने वाला नहीं है। आज इस ज्ञान गंगा में आप सब निमज्जन कर रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हैं, अच्छे अच्छे विचारों को सुन रहे हैं, और सुन करके यदि हम
अपने जीवन में कोई परिवर्तन न लाएं तो फिर ये सत्संग सुनने का कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए आवश्यकता है कि हम जो सुनते हैं, सदगुरु अभिलाष साहब जी ने एक पद है, बिना सद आचरण धारे न कथनी काम आती है। बिना जो ज्ञान होता है उसको जिया जाता है, और यदि उस ज्ञान को जिया ना जाए तो फिर वो क्या हो जाता है, जानकारी रह जाती है। इसलिए आवश्यकता है उस जानकारी को हम ज्ञान में परिवर्तन करें, उस ज्ञान को हम जीवन में लाने का प्रयास करें, तभी हमें इस सत्संग का लाभ हो सकता है, हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन हो सकता है। जो हमारे मन में, हमारे जीवन में जो बुराइयां हैं उसको हम समझें, उसको हम एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके निकालें, और निकालने के बाद देखें, जैसे हम संतों को सुनते हैं ना, कितना निर्मल संत है। आज निर्मल संत उनको क्यों कहते हैं, क्योंकि उन्होंने तप किया है, उन्होंने अपने जीवन को ज्ञान की अग्नि में जलाया है, अपने अंदर के कलिमस को उनने धो डाला है, ज्ञान की जल से, ज्ञान की अग्नि से दग्ध कर दिया अपने विकारों को, और इसलिए उनका मन आज क्या हुआ, निर्मल हो गया है। तो ऐसे संत हमारे बीच में हैं, हम उनके पास में बैठे हैं, ऐसे जीव, ऐसे रहनी संपन्न, सद्गुण संपन्न संतों के बीच जाकर के हम कुछ सीखें, समझें, विचारों को ग्रहण करें, तभी हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आ सकता है। और ऐसे परिवर्तन आप सबके जीवन में आए, ऐसी शुभकामना करते हुए मैं अपने वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय। बहुत सुंदर, अभी साहेब जी से हम लोग विचार सुने, आइए विचारों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करता हूँ हमारे साथी संत श्री करमचंद साहिब जी से, आप मंच पर आएं और अपने गहन गंभीर विचारों से हम सभी को लावामत करने की कृपा करें। संत श्री करमचंद साहिब जी, हाँ आप लोग जरा एक बात पे ध्यान रखना कि जो भी बाद में आ रहे हैं उनको आने के लिए जगह दें, कोई भब्बड़ ना करें, और जो पीछे ज़्यादा चले गए हैं और बीच में जो जगह है उसको भर लें, आप लोग थोड़ा आगे आगे खिसक जाएं, जो पीछे से आने वाले हों वो बैठ सकते हैं। आइए सुनते हैं साहब जी को, और सामान जहाँ तहाँ ये बीच में रखा है इसको साइड कर लें, आप लोगों को कई बार बताया गया है, क्योंकि वहाँ पर लोग सुनने वाले बैठते हैं तो जगह बन जाएगी, आप अपने अपने सामान को साइड में कर लें। बोलिए सदगुरुदेव की जय। नाराज हैं क्या भाई सब लोग? हम अकेले बोले, अकेले जय बोले, थोड़ा सहयोग करें आप लोग भी। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय। धन्यवाद पूजनीय साहेब जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, दूर दरार से पधारे सत्संग प्रेमी बंधुओं और माताओं, हम सब गुरुवर कबीर साहब को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। थोड़ी चर्चा इसी क्रम में मैं भी आप लोगों के बीच रखता हूँ। गुरुवर कबीर साहब की पंक्ति है एक, उलटवासी, आप लोग सुने होंगे, बरसे कंबल और भीजे पानी। इसी पर थोड़ा मनन करना है, पद तो बहुत लंबा है, उतना समय भी नहीं कि कहा जा सके। गुरुवर कबीर ऐसा कह के क्या संदेश देना चाहते हैं, बस ये जानना है आज हमें। बरसे कंबल भीजे पानी, कंबल बरस रहा है और पानी भीग रहा है, होता क्या है,
कि पानी बरसता है और वस्तुएं भीगती हैं, कंबल भीगता है, लेकिन हमारे जीवन में गुरुवर कबीर जो बात करते हैं वो हमारे जीवन से संबंधित बात करते हैं। हमारे जीवन में लेकिन कुछ उल्टा हो रहा है, हमारे जीवन में कंबल बरस रहा है और पानी भीग रहा है। काम क्रोध लोभ मोह ये विकारों की बारिश हो रही है, इन सबको शांत होना चाहिए ना जीवन में। हमारे जीवन में काम क्रोध लोभ मोह इन सबका लेवल क्या होना चाहिए, हाई कि लो, शांत होना चाहिए ना। लेकिन ये कभी भीगते हैं, ये कभी शांत होते हैं, नहीं होते हैं। इसीलिए गुरुवर कबीर साहब को कहना पड़ा कि बरसे कंबल और भीगे पानी। इतना ही नहीं, और आगे पंक्ति तो है ही, वरौनिक पानी बड़े रिग जाए, लौकी बूढ़े और सिल उतराए। लौकी पानी में तैरना चाहिए ऊपर ऊपर, पत्थर जिस पर चटनी पीसते हैं पानी में डालो तो डूब जाता है। गुरुवर कबीर उसका उदाहरण देते हैं कि वो तैर रही है, पत्थर बुद्धि के लोग मंच में बैठे ललकार रहे हैं, उनका बाजार गरम है, भीड़ खूब है। जिनके पास अकल नहीं, विवेक नहीं, जिसकी समाज को जरूरत नहीं राग रंग, अभी कोई फिल्मी स्टार कहीं आ जाए तब आपको पता लगेगा कितने पत्थर तैरने लगेंगे, कितनी भीड़ हो जाती है वहां। यहां मेला लगता है इलाहाबाद में, रहता हूं तो अनुभव है, सब बढ़िया चलता रहता है। किसी दिन कोई नेता आ जाते हैं स्नान करने के लिए, जानते होंगे आप लोग, स्नान करने क्या आते हैं, अपनी पब्लिक सिटी बढ़ाने के लिए आते होंगे या जो भी हो। अब उनके आने से इतना ज्यादा भीड़ हो जाती कि हम लोगों को यहां आश्रम से आने जाने में बड़ी दिक्कत हो जाती है, सत्संग में जाने में सब तरफ से रोक लग जाता है। क्यों, वहां भीड़ क्यों हो गई? संतों का प्रवचन तो रोज होता है वहां, लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं है। लौकी डूब गई है। जिसको ऊपर होना चाहिए हमारे जीवन में, सद्विचार सद्बुद्धि सद्ज्ञान सद्विवेक, जिसको हमारे जीवन में सबसे पहले होना चाहिए, उसकी कोई कीमत ही नहीं। हमारे घर में किसी कोने में पड़ा है वो। इसलिए गुरुवर कबीर को मजबूर होके ऐसे कहना पड़ा है, कोई शौक से नहीं कह दिए ऐसे कि बरसे कंबल भीजे पानी। उनके अंदर कोई कुतूहल नहीं थी ऐसा कहने के लिए। वो समाज को देखे हैं कि जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, हर तरफ माया का बाजार गर्म है, हर तरफ चमक दमक, उसी में आदमी भूला हुआ है। जहां मन को लगाना चाहिए वहां नहीं लगा पाता है, और जहां नहीं लगाना चाहिए। कल हमारे साहब जी बता रहे थे कि मोबाइल, आजकल हम मोबाइल लेते हैं जब हाथ में तो हमें यह पता नहीं होता है कि मैं क्या करूंगा इसमें, बस यूट्यूब खोले, फेसबुक खोले, जो दिखा बस देखने लगे। ये नहीं पता है कि हम अभिलाष साहब का प्रवचन खोलने जा रहे हैं कि कबीर साहब के भजन सुनने जा रहे हैं, ऐसा विचार नहीं आता है। जल्दी कर लो थोड़ा। बंधुओं, हम सबको बदलना होगा। गुरुवर कबीर के विचारों का सुनने का मतलब कि जो उनका संदेश है उसको माने, उसको जीवन में उतारें। वो जो कह रहे हैं ऐसे फालतू नहीं कह रहे हैं। ये भजन बहुत दिन से सुने होंगे कि बरसे कंबल और भीगे पानी,
लेकिन इसका अर्थ शायद नहीं जानते, बहुत लोग नहीं जानते हैं कि कबीर साहब कहना क्या चाहते हैं आखिर। गाते भी हैं, गायक लोग मस्ती में गा के निकल जाते हैं, लेकिन उसका अर्थ समझने का प्रयास करें। बहुत सारी उल्टवासियां हैं गुरुवर कबीर की, ऐसे जो चोटदार हैं और भावपूर्ण हैं, कहत कबीर नामक पुस्तक में यहाँ उपलब्ध है, आप लोग उसको रखें। बीजक जैसे वो भी है, उसको भी पढ़ें, उसमें भी देखें, ये पूरा पद आपको मिल जाएगा और अच्छे से समझ सकते हैं। मैं तो केवल थोड़ा सा एक वानगी दे रहा हूं, एक उसमें की एक पंक्ति बता रहा हूं कि जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है और जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। वो कहते हैं ना, फटा कैलेंडर हो गए आज रिटायर बाप, रामचंद्र देने लगे दशरथ को वनवास। यही होना चाहिए, लेकिन आज स्थिति क्या है समाज की? वृद्धाश्रम एक शब्द है, ये आज से 20 साल पहले कोई इसको जानता था? ज्यादा नहीं, केवल 20-25 साल पहले की बात कर रहा हूं कि कोई जानता हो भैया बूढ़ों का भी अलग घर होता है? कोई सुने थे? नहीं सुने थे। लेकिन आज यहां से प्रीतम नगर तक जाइए आप तो 3 ठो मिलेगा, 4 ठो कम से कम अगल बगल आपको, इतने वृद्धाश्रम है। अब वहां जाके दयनीय स्थिति देखिए उनकी, उनसे मिलिए। हमारे संत लोग जाते हैं, मैं भी जाता हूं, उनसे बातें होती हैं। किसी का बेटा अमेरिका में है, किसी का ऑस्ट्रेलिया में है, किसी का दुबई में है, किसी का कहीं है, और घर बेच दिए हैं और पेमेंट 25 साल तक के कर दिए हैं उनका वृद्धाश्रम के लिए। बेटे इतने समझदार हैं कि पिताजी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अब पता नहीं 2 साल में मर जाएंगे इसे लगता है, और पेमेंट लाइफ टाइम की है कि जितना दिन जिएंगे उतना दिन तक के लिए। यही होना चाहिए। बच्चे या समाज कहाँ जा रहा है आज का? हमारे अंदर, आपके अंदर ऐसी हिम्मत नहीं थी कि आप अपने पिताजी को घर से बाहर निकाल दें? क्यों? आप या हम या जो भी संस्कारी हैं वो क्या निकाल सकते हैं? पिता को अलग कर सकते हैं? लेकिन हमारे बच्चे कर लेते हैं, सोचने वाली बात है। हम नहीं कर सकते जिस काम को, उसको वो कर लेते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए, हम जिसको नहीं कर पाए अपने जीवन में वो हमारे बच्चे कर ले रहे हैं, गलती कहाँ हुई? हमारे पिता और गुरु ने हमें संस्कार दिया, लेकिन हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पाए, बस इतनी ही गलती है। अगर हमारा बच्चा हमें वृद्धाश्रम भेजता है तो उसकी गलती नहीं है, हमारे संस्कारों की गलती कि हमें उसे जिस स्कूल में पढ़ाना चाहिए था, जो संस्कार देना चाहिए था, वो नहीं दे पाए उसको। आज का समाज केवल पैसा के लिए भागता है, बस हमारा बेटा कैसे भी हो उसके नंबर अच्छे आना चाहिए, फर्स्ट आना चाहिए। अभी शायद कल या परसों की बात है, एक मैसेज आया वीडियो, उसमें एक बच्चा पूछा अपने मास्टर से, मैडम से पढ़ा रही थी कि मैडम फर्स्ट आना जरूरी है कि सच बोलना जरूरी है? तो मैडम बोली कि फर्स्ट आना जरूरी है, नहीं, मैडम बोली सत्य बोलना जरूरी है। तब वो उदाहरण दिया थोड़ा और कि उन्होंने तो झूठ बोल करके फर्स्ट आ गए, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। कहानी लंबी थी, लेकिन बस बात इतनी कहना चाहता हूं कि हम क्या चाहते हैं, कि हमारा बच्चा फर्स्ट आए वो जरूरी है कि उसके जीवन में सत्य हो ये जरूरी है? हमारे घर में धन हो वो जरूरी है, वो धन चोरी का हो कि ईमानदारी का हो ये जरूरी है?
हर आदमी यही कहेगा नहीं, ईमानदारी का होना चाहिए। हम सबको यही सीख मिली है कि हमारे घर में जो भी धन और संपत्ति वो ईमानदारी की हो, लेकिन इस ईमानदारी के लिए ईमानदारी का पाठ कौन पढ़ाएगा बच्चे को? उसको तो हम केवल मशीन बना रहे हैं आजकल कि तू कैसे भी करके फर्स्ट आना चाहिए। बच्चों के ऊपर आजकल इतना प्रेशर होता है माता पिता का, अक्सर देखा हूं लड़कियों के ऊपर माता पिता कहते हैं देखो बेटी तुम अब बाहर पढ़ने जा रही हो, हमारी घर की इज्जत हो, सावधानी से रहना, अगर कहीं कुछ ऊंच नीच हो गया, कुछ तुम गलती की तो हम पूरे गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। होता है कि नहीं ऐसा? और हम लोग बिना मारे मर जाएंगे, ये हमारे शब्द नहीं है, ये आप लोगों के शब्द हैं। जब ऐसी बात आप अपने बच्चे से कह देते हैं, अब मान लीजिए मनुष्य तो गलती का पुतला है, गलतियां हो ही जाती हैं, अब गलती हो गई, गलती तो होना ही है, सबसे हो जाती है, सीख दी जाती, समझाया जाता है, कुछ बच जाते किसी से, अब गलती हो गई तो वो बच्ची या वो बच्चा आपके पास आएगा मुंह दिखाने? उसको तो एक ही चीज दिखेगा, अगर ये बात ओपन हुई या कोई जाना तो हमारे मम्मी पापा मर जाएंगे, नाराज हो जाएंगे और हमको उल्टा सीधा कहेंगे, यही होगा ना? तो वो बच्चे खुद फांसी लगा लेते हैं। लेकिन यही बात अगर मम्मी पापा अपने बेटे से कहें कि बेटा बेटी देखो तुम्हें जितना हो सकता है मैंने संस्कार दिया, तुम्हारे साथ कभी भी गलत हो जाए जिंदगी में तो छुपाना मत, मुझसे बताना, मैं समाधान करूंगा। पहली बात तो गलतियों से बचना, लेकिन इससे ज्यादा जोर इस पर देना चाहिए कि तुम मेरे से कहने में हिचकना मत। आजकल केवल हमारे बच्चों केवल एक ही बात दी जाती, तुम गलती मत करना। तो बच्चे करते क्या है, गलती तो करते ही हैं और आपसे छुपा लेते हैं, और वो कोई उनका दोस्त बन जाता है, उनका कोई मित्र बन जाता है जिससे वो अपनी बातें कहते हैं, और बाहर कोई दोस्त नहीं है, केवल सब चूसने वाले हैं, बस अपना काम निकालने वाले, वो केवल धोखा खा जाते हैं बस। अब वो धोखा देने के लिए हम ही ने उन पर प्रेशर दिया है, ऐसी उनके साथ मित्रता बनाई ही नहीं कि तुमसे गलती हो जाएगी तो मैं क्षमा कर दूंगा तुमको, ऐसा आपके बच्चे मानते हैं? नहीं मानते। आज तक आपने इतना दबा के इतना प्रेशर दे के उनको रखा है कि उनको पता है कि जिस दिन हमसे गलती हुई सबसे पहले हमारे पापा और मम्मी फांसी लगाएंगे या वो बहुत दुखी हो जाएंगे, पीड़ित हो जाएंगे, तो हम इनको क्यों दुखी करें, हम ही ना खत्म हो जाए। लेकिन आप जानते हैं कि कितनी भी बड़ी गलती हो जाए आपके बच्चों से और आपको अगर पता लग जाए तो आप कुछ ना कुछ समाधान करेंगे, मरने नहीं देंगे। लेकिन ये मरने ना देना आप उस दिन कुछ नहीं कर सकते, इसके लिए पहले से शिक्षा देनी होगी कि बेटी मैं तुम्हारे साथ हूं, बेटा मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई भी गलती जब बड़ी से बड़ी गलती हो जाए तो मुझसे मत छुपाना, बस कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ रात दिन हमेशा खड़ा हूं। अब ये बच्चा कभी मर सकता है? ये सोच ये विचार जो हमारे अंदर आनी चाहिए कौन देगा? कबीर विचार दे सकता है। जो सोच है उसको बदलना होगा हमको। सबका ध्यान कैमरे तरफ, हम क्या कहे कुछ समझ में आया? बंधुओं जरूरत है कि हम गुरुवर कबीर की बातों को पढ़ें और जीवन में उतारें। आज के समाज को सबसे ज्यादा अगर आवश्यकता है तो वो है कबीर विचार की। कबीर विचार ही हमें बता सकता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो हम अपने बच्चों को सही शिक्षा दें, ज्यादा उन पर प्रेशर ना दें और जिंदगी में जो होना चाहिए वही करें, उल्टा ना करें। जब कहीं उल्टा होता है संतों को या कबीर साहब को जहां उल्टा दिखा वहीं उनको उल्टवासी कहनी पड़ी। उल्टवासी का मतलब ही होता है ना उल्टा, बरसे कंबल भीजे पानी, होना क्या चाहिए हो क्या रहा है। बहुत ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं, सामान्य रूप से सोचिए बस, होना क्या चाहिए हो क्या रहा है।
ऐसा जब गुरु और कबीर को दिखता है तब उनके मुख से उल्टवासी निकलती है। वो भी उल्टवासी कह देते हैं, पानी में मीन प्यासी मैं सुन सुनी आवत हाँसी। पानी में है लेकिन प्यासे हैं। बहुत सारी उल्टवासियां हैं आप लोगों के सामने। मैं कुछ मिनट में एक पंक्ति प्रस्तुत किया और अधिक कुछ ना कहते हुए अपनी बात को ही विराम देता हूं। बोलिए सदगुरुदेव की जय। बहुत सुंदर साथी द्वारा हम लोगों ने विचार सुने कि जो आज की समस्या है बच्चों को लेकर के और बुढ़ापे को लेकर के, हमको ऐसा लगता है कि जो बच्चों की समस्या है उनके जवान होने पर पैदा होती है। ऐसी बात नहीं है, वो समस्या हम पहले पैदा कर देते हैं। जब बच्चा पैदा होता है 2-3 वर्ष का होता है उस समय वो समस्या का सर्जन हम करते हैं, उसको हम देते हैं उस समस्या को, वो तो बाद में बस विकसित होता है और वो सामने आ जाता है। यदि बच्चों की समस्या है कि आपको वृद्धाश्रम भेजते हैं, आपको दुखी रखते हैं, तो कहीं ना कहीं इसके मूल में वो हमारी ही देन है, हमने उस समस्याओं को पैदा किया था। यदि वो समस्या आपके द्वारा नहीं है तो आप याद करो उस दिन को जिस दिन आपने अपने पोते का या अपने बच्चे का उंगली पकड़ करके और उसे आप घुमाने के लिए निकले, टहलने के लिए निकले। आप अपने बच्चे को उंगली पकड़ा करके उसे आप मेला दिखाने ले जाते हैं, बच्चे को अपनी उंगली पकड़ा करके आप सिनेमा घर ले जाते हैं, बच्चे को अपनी उंगली पकड़ करके उसे आप अनेकों जगह घुमाते हैं। लेकिन आपने कभी ख्याल किया कि जो उंगली में बच्चे को पकड़ा रहा हूं और उसे बाहरी चीज दिखा रहा हूं, सिनेमा दिखा रहा हूं, नोट नोटंकी दिखा रहा हूं, बड़ी बड़ी पार्कें दिखा रहा हूं, अनेकों मेले ठेले दिखा रहा हूं, काश यदि उसी उंगली को पकड़ा करके आप उस बच्चे को सत्संग में ले आए होते, सतगुरु कबीर के सत्संग में ले आए होते, तो आज ये समस्या पैदा ना होती। क्योंकि वो संस्कार आपको सतगुरु कबीर की मंच से मिलते हैं और वो समस्या का हल आपको सतगुरु कबीर की मंच से होता है। ये समस्याएं हमारी ही देन है, इसलिए आगे इस चीज को हम ख्याल रखें, इसका पूरी तरह से ध्यान रखें कि बच्चों में वो संस्कार दें, सिर्फ उन्हें पढ़ा लिखा करके हम एक बैंक ना बनाए, उसे पैसे की मशीन ना बनाए, धन की मशीन ना बनाए, उसे संस्कार की मशीन बनाए जो कि आपके बुढ़ापे के लिए सहारा बन सके और आपको और अपने जीवन को तार सके। बहुत सुंदर हम अपने साथी से विचार सुन रहे थे। आइए इस विचारों की कड़ी में मैं निवेदन करता हूँ हमारे आश्रम के संत श्री रत्नेन्द्र साहेब जी, रामेश्वर साहेब, आप लोग पूरी तरह से उनके नाम से परिचय नहीं है, संत श्री रामेश्वर साहेब जी, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप आएं और अपने गहन गंभीर विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करेंगे। संत श्री रामेश्वर साहेब जी, ध्यान मूलं गुरुर मूर्ति, पूजा मूलं गुरुपदं, मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्ष मूलं गुरुकृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परम तपः, गुरुर परतरम नास्ति नास्ति तत्त्वम गुरु परम। बोलिए सदगुरु देव की, सदगुरु कबीर साहेब की जय। लगता है कि जलपान किए हैं तो उसकी मादकता अभी है। जब भोजन हम करते हैं तो नींद आता है कि नहीं आता है ना, तो जलपान किए हैं तो उसकी मादकता है, तो इसको तोड़ने के लिए हम लोग जोर से जय जयकारा लगाएंगे और सब लोग ऊपर हाथ उठा करके जय जयकारा लगाएंगे ऊंचा। इसका फायदा मैं बता देता हूँ, जो जितना ही ऊंचा
और ऊपर हाथ उठा करके जय जयकारा लगाएगा वो उतना ही जल्दी ऊपर जाएगा। सब लोग घबरा गए कि भाई आदमी मरने के बाद ऊपर जाता है, लेकिन वो ऊपर नहीं, जीवन में ऊपर, जीवन ऊपर उठेगा, आपका स्वास्थ्य ऊंचा जाएगा, ऊपर जाएगा, धन में आप ऊपर जाएं, स्वास्थ्य में ऊपर जाएं, विद्या में ऊपर जाएं, सम्मान में ऊपर जाएं, समृद्धि में ऊपर जाएं, ये ऊपर जाएं आप, ये इसका फायदा है। अभी हम सब संतों के विचारों से लाभ ले रहे थे। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, मंच पर उपस्थित संत गुरुजन, इस धर्म सभा में बैठे हुए धर्मानुरागी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, इस कड़ी में मुझे भी कुछ कहने का आदेश मिला है, आदेशानुसार कुछ निवेदन। हम सबके पास अपना अपना जीवन है, हम जीवन के बारे में, जीवन तो जीते हैं लेकिन जीवन के बारे में समझ नहीं पाते। आखिर जीवन क्या है, मैं कौन हूँ, जीवन में बंधन क्या है, हमारे जीवन से बंधन छूटेगा कैसे, इस जीवन को हम सफल बनाएं कैसे, इन सब बातों पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते। हमारा घर कैसा होना चाहिए इसके बारे में तो हम बहुत सोच लेते हैं, हमारे कपड़े कैसे होने चाहिए इसके बारे में हम बहुत सोचते हैं। अगर लड़की है तो सोचती है कि हमारा पति कैसा होना चाहिए इसके बारे में बहुत सोचते हैं। अगर लड़का है तो हमें पत्नी कैसी चाहिए, कैसी पढ़ी लिखी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, कैसी सुंदर चाहिए इसके बारे में तो सोच लेता है। गाड़ी कैसी चाहिए इसके बारे में सोच लेता है। गाड़ी बिगड़ जाती है तो उसको रिपेयरिंग के लिए, बनवाने के लिए मैकेनिक के पास तो चला जाता है। लेकिन हमारा जीवन किधर जा रहा है, जीवन कैसा है, मैं कौन हूँ, इस पर वो ध्यान ही नहीं देता है। क्या ये जो शरीर है यही जीवन है क्या, कि इसके अलावा भी हमारे अंदर कुछ है? अरे ऐसा शरीर तो एक श्मशान घाट में भी पड़ा है, उसको जीवन नहीं कहते, उसको तो कहते हैं कि मुर्दा लेटा है। शरीर ही जीवन नहीं है, आपको और हमको कोई मुर्दा तो नहीं कहेगा, मरा हुआ लाश तो नहीं कहेगा, लेकिन एक यही शरीर श्मशान घाट में लेटा है उसको कोई जिंदा नहीं कहेगा। आखिर कारण क्या है, किस कारण से एक मुर्दे को जिंदा नहीं कहा जा सकता और हमको और आपको कोई मुर्दा नहीं कहा जा सकता, नहीं कह सकता है, वजह क्या है? क्योंकि उसमें आप नहीं है, मुर्दे में आप नहीं है, आप कौन है? हमारी आंखें देख रही हैं लेकिन एक मुर्दे के पास भी आंख है वो देख नहीं सकता है। हमारी कान सुन रहा है लेकिन एक मुर्दे के पास भी कान है वो सुन नहीं सकता है। हमारे पास नाक है, हम श्वास ले रहे हैं, हवा आती है और जाती है, एक मुर्दे के पास भी नाक है लेकिन वो हवा न ले सकता है न छोड़ सकता है। एक मुर्दे के पास जुबान है, मुख है, लेकिन वो बोल नहीं सकता है। हमारे पास मुख है, जुबान है, हम बोल लेते हैं। एक मुर्दे के पास भी हाथ और पैर है लेकिन वो न कुछ कर सकता है न चल सकता है, लेकिन हमारे पास हाथ है, पैर है, हम कुछ कर सकते हैं और कहीं से कहीं हम जा भी सकते हैं। आखिर क्या उसमें और हम में अंतर हो गया, क्यों? क्योंकि उसमें मुर्दे में आप नहीं हैं, आप कौन हैं? अरे जिसकी सत्ता से आंखें देख रही हैं, जिसकी सत्ता से कान सुन रहा है, जिसकी सत्ता से मुख बोल रहा है, जिसकी सत्ता से हम सोच रहे हैं, जिसकी सत्ता से हाथ पैर चल रहा है और जीवन के सारे क्रियाकलाप हो रहा है, जिसकी सत्ता से, वो आप है। आप कौन है? एक संत ने एक व्यक्ति से पूछा, आप कौन है? वो व्यक्ति ने कहा, मैं मास्टर हूं।
संत ने कहा कि मैं पद नहीं पूछता हूँ कि आप मास्टर हैं कि डॉक्टर हैं कि वकील हैं कि इंजीनियर हैं, मैं तो सिर्फ इतना ही पूछता हूँ कि आप कौन हैं। व्यक्ति ने कहा कि मैं मनुष्य हूँ। संत ने कहा कि मैं आप जानवर हैं कि पशु हैं कि कीट हैं कि पतंग हैं कि मनुष्य, ये भी मैं नहीं पूछता हूँ, मैं तो सिर्फ इतना पूछता हूँ कि आप कौन हैं। वो व्यक्ति ने कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ। संत ने कहा कि मैं जाति भी नहीं पूछता हूँ कि आप धोबी हैं कि कलवार हैं कि बनिया हैं कि राजपूत हैं कि ब्राह्मण हैं, मैं जाति भी नहीं पूछता हूँ, मैं तो सिर्फ इतना पूछता हूँ कि आप कौन हैं। वो व्यक्ति निरुत्तर हो गया और संत के चरणों में गिर गया, कहा कि गुरु जी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं कौन हूँ। संत ने यही बात बताया कि अरे जिसके चलते आप मास्टर हैं, जिसके चलते आप डॉक्टर हैं, जिसके चलते आप मनुष्य हैं, जिसके चलते आप ब्राह्मण कहे जाते हैं, वो आप हैं। अगर वो निकल जाए तो आपको न कोई डॉक्टर कहेगा, न कोई मास्टर कहेगा, न कोई इंजीनियर कहेगा, न कोई ब्राह्मण कहेगा, न कोई माता कहेगा, न पिता कहेगा। क्या कहेगा? एक लाश पड़ी हुई है, एक मुर्दा पड़ा हुआ है। आपके न रहने से आप न डॉक्टर है न मास्टर है, क्या है? एक लाश है, एक मुर्दा है। हम अपने आप को समझें, इसीलिए सत्संग है, संत गुरुजनों का आशीर्वचन है, प्रवचन है कि मैं कौन हूं, जीवन क्या है, इसको समझने के लिए हमारा जीवन सफल कैसे हो, हमारा बंधन कटे कैसे। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, बंदे कर ले आप निवेरा, आप जियतलक आप ठौर कर, मुए कहाँ घर तेरा, यह अवसर नहीं चेतम प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा, कहें कबीर सुनो हो संतों कठिन काल को घेरा। एक छोटा सा पद और जीवन को समझाने के लिए कितना अमूल्य है ये। साहब कहते हैं बंदे कर ले आप निवेरा, हमारा बंधन क्या है, दिखता नहीं है। मनुष्य के अलावा जितने भी पशु पक्षी हैं उनका बंधन तो दिखता है। गाय के गले में अगर रस्सी है तो वो दिखता है कि गाय खूंटे से बंधी है। हाथी के पैर में मोटे मोटे जंजीर लगे हैं, वो तो दिखता है हाथी तो जंजीर से जकड़ा हुआ है। एक शेर जो है पिंजड़े में बंद है, वो दिखता है कि भाई एक शेर तो एक पिंजड़े में बंद है, वो तो उसके लिए बंधन है। लेकिन मनुष्य के पास बंधन कौन सा है, वो कौन सा बंधन है? सदगुरु कबीर साहब हमको ऐसे नहीं कह दिए कि बंदे कर ले आप निवेरा, उन्होंने हमारा बंधन देखा है और समझा है। लेकिन हमारा ऐसा बंधन है जो दिखता नहीं है, बाहर का बंधन नहीं है, वो तो भीतर का बंधन है। वो कौन सा बंधन है? कबीर साहब साखी में कहते हैं, बिनु रसरी कर सकलो बंधा, तासो बंधा अलेख, दिन्हा दर्पण हस्त में चश्म बिना क्या देख। ये साखी साफ कर देती है, खोल देती है कि मेरा बंधन क्या है। वो कहते हैं बिनु रसरी, अरे वो बिनु रसरी माने बिना रस्सी, जो बाहर का बंधन है वो तो बाहर का सब दिखता है, लेकिन तुम्हारा बंधन कैसा है? बिनु रसरी, वो रस्सी से बंधा नहीं है। बिनु रसरी गर माने गला, बिनु रसरी गर, बिनु रसरी गर सकलो बंधा, सकलो मतलब एक दो का नहीं, सकलो मतलब कि जितने भी मनुष्य हैं संसार में, चाहे वो अमेरिका का हो, जापान का हो, रूस का हो, कनाडा का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो या भारत का हो, यानी विश्व में जितने भी मनुष्य हैं वो सबका गला बंधा हुआ, कैसे? बिनु रसरी का, माने वो दिखता नहीं है। वो साहब कहते हैं वो कैसा बंधन है? तासो बंधा अलेख, तासो माने वो कैसा है, अलेख है, अलेख का मतलब जो लखने में ना आए, देखने में ना आए, वो अलेख कहते हैं उसको, वो दिखता नहीं है वो। तो फिर अब साहेब उदाहरण दे करके समझाते हैं कि वो बंधन दिखता क्यों नहीं है। बहुत सुंदर उदाहरण साहेब कहते हैं, दिन्हा दर्पण हस्त में चश्म बिना की हो, उसके हाथ में दर्पण दे दो। दर्पण समझ रहे हैं ना, जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं अपना अपना। अगर खूब हम लोग कहीं अगर जाना हो फंक्शन में पार्टी में, तो सब लोग माताएं बहनें तो और सजती धजती हैं और पूरा साज सिंगार करके ओढ़ पहन करके हम कहीं जाना होता है तो अंत में जाते हैं किसके पास? दर्पण के पास। कोई कमी तो नहीं रह गई?
कहीं कोई भूल तो नहीं रह गई, सजने में कोई अचूक तो नहीं रह गया, कोई चूक तो नहीं रह गया, तो हम जाते हैं। वही दर्पण अगर एक अंधे व्यक्ति के हाथ में दे दिया जाए और उस व्यक्ति से कहा जाए कि तुम अपना चेहरा देखो, तो क्या वो अपना चेहरा देख पाएगा? उसके पास चेहरा भी है, हाथ में दर्पण भी है, लेकिन वो अंधा व्यक्ति अपने चेहरे को उस दर्पण में नहीं देख पाता है। कारण क्या है? कारण क्या है, क्यों नहीं देख पाता है? इसलिए नहीं देख पाता है कि उसके पास देखने का साधन ही नहीं है, आंख ही नहीं है। आंख रहेगा तब तो देखेगा। उसी तरीके से हमारा बंधन क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि हमारे पास आंख ही नहीं है। ये बाहर की आंख नहीं, बाहर की आंख से तो हम बाहर की चीजों को देखते हैं, हमारे पास अंदर की आंख नहीं है। और अंदर की आंख का मतलब ज्ञान की आंख, हमारे पास ज्ञान की आंख नहीं है। हमारे पास बंधन क्या है? बंधन को समझिए, किस बंधन से हम बंधे हैं? हमारे पास जितने भी विकार हैं, जितने भी दोष हैं, जितने भी दुर्गुण हैं, उससे बंधे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, हत्या, हिंसा, यही तो है। सबके पास क्रोध है, बताइए क्रोध दिखता है? आंख से दिखता है? रोज क्रोध करते हैं, रोज ईर्ष्या करते हैं, रोज द्वेष करते हैं, न क्रोध दिखता है, न ईर्ष्या दिखता है, न लोभ दिखता है, न मोह दिखता है? दिखता है। और सबके पास है कि नहीं? सबके पास है। ये कब दिखेगा, किससे दिखेगा? ज्ञान की आंख से दिखेगा। जब तक हमारे अंदर ज्ञान नहीं होगा तब तक ये सारे चीज दिख नहीं सकते। और इससे छूटेंगे कैसे, ये मिटेगा कैसे? एक तो ज्ञान से होगा और दूसरा भजन से होगा। भजन से होगा। जब हम भजन करेंगे जीवन में तब हमारे जीवन से ये दोष मिटेंगे। तो भाई भजन क्या है? हम जो गाते हैं वही भजन है? ये भजन नहीं है, ये हम भजन सुनते हैं। अब बहुत अच्छी बात है जब हम भजन सुनते हैं तो गाली गलौज निंदा से तो अच्छा है ना, कि हमारे कानों में शब्द अच्छे अच्छे पड़ते हैं, भजन के शब्द जाते हैं, थोड़ी देर के लिए हमारा मन बहुत शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है। लेकिन सदा सदा के लिए हमारा मन निर्मल हो, शुद्ध हो, अच्छा बने, हमारे विकार घटें, हमारे बंधन टूटें, इसके लिए हमें भजन करना है। तो भजन क्या है? जब तक हम भजन को जानेंगे नहीं तो करेंगे कैसे? जब तक हम मंजिल जानेंगे नहीं तो मंजिल पर पहुंचेंगे कैसे? उसी तरीके से भजन क्या है इसको जानना बहुत जरूरी है। तो सद्गुरु कबीर साहब ने एक पंक्ति में कह दिया, क्या कह दिया? मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। कबीर साहब ने क्या कहा? मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। तो भाई मन की तरंग मारना है। एक व्यक्ति ऐसे ही सभा लगी थी, कबीर साहब तो कहते थे, लिखते नहीं थे, कहते थे, सभा, बड़ी बड़ी सभाएं लगती थी और वहां पर अपनी बात कहते थे। ऐसी ही सभा लगी थी, कबीर साहब ने कहा मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। उसी सभा में से एक व्यक्ति उठ गया और कहा कि बाबा आप तो संत हैं, सदगुरु हैं, महात्मा हैं, आपके पास कोई झंझट नहीं है, न घर है, न द्वार है, न पत्नी है, न बाल बच्चे, कुछ नहीं है, आपके पास तो 24 घंटा फुर्सत है, आप जंगल में जा करके तपस्या कर लेंगे, नदी के किनारे चले जाएंगे, पहाड़ में चले जाएंगे, गुफा में चले जाएंगे और वहाँ मन की तरंग मार लेंगे। हम तो गृहस्थ सारे, बाल बच्चे वाले समझे, हजार झंझट है, हम कैसे तरंग को मारेंगे मन के तरंग को? तो कबीर साहब ने कहा मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। तो उस व्यक्ति ने कहा कबीर साहब से, और कोई शॉर्टकट रास्ता है, कोई सहज उपाय है, कोई सरल है, व्यवस्था है? कबीर साहब ने कहा कि हाँ, अगर तुम मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन अगर इतना नहीं कर सकते हो तो आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। इतना तो कर सकते हो भाई, क्या इसको सुधारने के लिए गुफा में जाने की जरूरत है, पहाड़ पर जाने की जरूरत है, जंगल जाने की जरूरत नहीं? जहां आप रहते हैं वहीं पर ये काम होगा, वहीं पर काम होगा। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। तो क्या है,
शराब पीना बुरी आदत है, झूठ बोलना बुरी आदत है, जुआ खेलना बुरी आदत है, चोरी करना बुरी आदत है, यही सब तो बुरी आदत है। इसको छोड़ने के लिए कहाँ जाएंगे? घर परिवार में तो ये सब होता है। चोरी कहाँ करते हैं? जंगल में, समाज में करते हैं। ये जितनी भी बुराइयाँ हैं, आप जहाँ रहते हैं समाज में परिवार में, वहीं पर ये समाप्त करने की ज़रूरत है। तो आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। अगर इतना हम काम कर लेते हैं तो ये सत्संग में आना, संत गुरुजनों के दर्शन करना और सत्संग करना, प्रवचन सुनना, ये हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो मैं कुछ देर आप लोगों के समक्ष कुछ निवेदन किया, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। बहुत बहुत धन्यवाद साहब के लिए, उनके गहन गंभीर विचार हम लोगों ने श्रवण किए। काफ़ी देर से साथियों के विचार हम लोग श्रवण कर रहे हैं, साहब जी भी विराजमान हो चुके हैं। एक छोटा सा पद के साथ हम अपनी बातों को विराम देंगे, फिर आगे की साहब अपनी प्रक्रिया चलाएंगे। बोलिए सदगुरु देव की जय। इंसान से नफरत करते हो, इंसान से नफरत करते हो, भगवान को क्या तुम पाओगे? इंसान को तो अपना ना सका, भगवान को क्या तुम पाओगे? इंसान से नफरत करते हो, खुद को निर्दोष बताते हो औरों पर दोष लगाते हो, खुद को निर्दोष बताते हो औरों पर दोष लगाते हो, इंसान को धोखा दे करके भगवान को क्या तुम पाओगे? इंसान को तुम अपना ना सके, भगवान को क्या तुम पाओगे? इंसान प्रभु का बंदा है, नफरत फांसी का फंदा है। इंसान प्रभु का बंदा है, नफरत फांसी का फंदा है। इंसान को धोखा दे करके भगवान को क्या तुम पाओगे? इंसान को तुम अपना ना सके, भगवान को क्या तुम पाओगे? इंसान की पूजा करने में भगवान की पूजा होती है, इंसान की पूजा करने में भगवान की पूजा होती है। इंसान को तुम पूज ना सके, भगवान को क्या तुम पाओगे?
इंसान से नफरत करते हो, भगवान को क्या तुम पाओगे, इंसान को धोखा दे करके, भगवान को क्या तुम पाओगे, इंसान को तुम अपना ना सके, भगवान को क्या तुम पाओगे। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, सदगुरु अविलास साहेब की। हेलो, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, खुशी इस बात की कि आज कुछ अवसर हमारे संस्थान के कुछ संतों को कुछ विचार रखने का अवसर मिल पाया। इतनी व्यस्तता रहती है उन सब की। मैंने कल कहा था कि हमारे संस्थान के सभी संत प्रायः विचार देना प्रवचन करना जानते हैं, ये गुरुदेव जी की ही कृपा है। गुरुदेव जी चाहते थे कि मतलब ये है कि साधु कहीं जाए तो सिद्धांत की बात, साधना की बात, व्यवहार की बात लोग अपेक्षा करते हैं कि इनसे कुछ सुने, कुछ ज्ञान की बातें सुने, ऐसी वो अपेक्षा करते हैं। तो जब लोगों को कुछ न कुछ विचार देना है तो अच्छे शब्दों में दो, पढ़ करके दो, व्याकरण भी सही हो लगभग, न भी व्याकरण सही हो तो भी चलेगा, लेकिन साधु अपने विचार सही ढंग से दे सके, ये गुरुदेव जी प्रयास किया करते थे। और वो इस प्रकार से आपस में साथियों को कहते थे कि इस प्रकार बोलो, ऐसा करो, तो प्रशिक्षण भी हुआ करता था। ये गुरुदेव जी की एक सरणी है, एक परिपाटी है, सिस्टम था, जिसके नाते हमारे संस्थान के संत प्रायः अच्छे विचार रखने में सक्षम होते हैं। लेकिन व्यस्तता इतनी होती है कि वो यहाँ आकर के बैठ सकें, प्रवचन दे सकें, अवसर नहीं रहता। लेकिन आज कुछ हमारे साथी लोग अपने विचार दे सके, मुझे बताए ही थे पहले से कि मैंने कह दिया था कि मैं थोड़ा आराम से आऊँगा, आप लोग अपना आपस में चर्चा करते रहेंगे। तो अभी एक हमारे साथी अभी और आए हुए हैं जो प्रायः मंच पर आ नहीं पाते हैं व्यस्तता के नाते। रमेश जी साधु हैं, हमारे संस्थान के संत हैं, आए हुए हैं आपसे। आपको मैं आमंत्रित करता हूं कि कुछ मिनट आप 10 मिनट के लिए अपने विचार रखें। रमेश जी, प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, सदगुरु अभिलाष साहेब की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदनीय संत समाज, सम्मानी सत्संग प्रेमी बंधुओं तथा श्रद्धा मूर्ति माताओं, पूज्य साहेब जी द्वारा मेरे लिए आज्ञा हुई है, अतः आप सबके बीच सदगुरु कबीर साहेब की एक साखी और उस पर थोड़ी चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूँ। बीजक की एक साखी है,
साहब ने कहा है सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ। काग गौन गति छाड़ के हंस गौन चली आओ। सदगुरु कबीर इस साखी में बताते हैं और कहते हैं कि आदमी को अपने जीवन से जो दुर्बुद्धि है उसको दूर कर देना चाहिए और अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहिए। जो कौवे की चाल है उसको छोड़ करके हंस की चाल में आना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब का प्रयास हमेशा से रहा है कि आदमी केवल आदमी बन जाए, मनुष्य केवल मनुष्य बन जाए। आप कह सकते हैं कि हम तो मनुष्य हैं, आदमी हैं, लेकिन कबीर साहब की दृष्टि में वस्तुतः हम आदमी नहीं हैं, हम इंसान नहीं हैं। क्यों नहीं हैं? क्योंकि हम में आदमी तो हैं लेकिन आदमियत नहीं आई है, इंसान तो हैं लेकिन इंसानियत नहीं आई है। जब तक आदमी के अंदर इंसानियत नहीं आएगी तब तक वह इंसान नहीं बन सकता है। साहब ने जो कहा है कि मानुष केरी खोलरी ओढ़े फिरत है बैल, आदमी मनुष्य की खोल तो ओढ़ता है, ओढ़ा है, लेकिन वो उनका जीवन देखो तो केवल बैल के समान होता है। बैल करता क्या है? केवल काम करता है और भोजन करता है, आहार करता है। इसी प्रकार आदमी का जीवन हो गया है कमाना खाना और जीना। इसके अलावा आगे कुछ सोच नहीं पाता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। किसी आदमी से पूछा जाए कि आप कमाते किस लिए हैं तो लोग कहते हैं खाने के लिए, खाते किस लिए हैं जीने के लिए, और जीते किस लिए हैं किसी को पता नहीं है। बहुत कम लोगों को पता होता है कि जिया किस लिए जाता है। हर आदमी चाहता है कि जीवन में सुख, जीवन में शांति, जीवन में प्रसन्नता आए, लेकिन आए कैसे इसका तरीका बहुत कम लोगों को पता होता है। हम दूसरों को सताकर, दूसरों को लूटकर, दूसरों को धोखा दे करके, बेईमानी और बदमाशी करके अपने धन को तो बढ़ा सकते हैं लेकिन धर्म को नहीं बढ़ा सकते हैं, अपने अंदर शांति को नहीं बढ़ा सकते हैं। बल्कि जितना ही हम इन सब में पढ़ते हैं उतना ही हमारे जीवन में अशांति आदि चली जाती है। इसीलिए सदगुरु कहते हैं कि सकलो दुर्मति दूर करो, अपनी दुर्मति को, दुर्बुद्धि को हमें दूर करना चाहिए। लेकिन अपनी दुर्मति, अपनी दुर्बुद्धि हमें समझ में नहीं आती है। दूसरे की दुर्मति या व्यवहार हमें तो बहुत जल्दी समझ में आ जाती है कि इस ढंग से व्यवहार उन्होंने हमारे साथ किया, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, उनको हमारे साथ इस ढंग से व्यवहार करना चाहिए था, बढ़िया सलीके से पेश आना चाहिए था। लेकिन अपने जीवन को जब हम देखते हैं तो पता नहीं चलता कि हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। अगर हम जो व्यवहार दूसरों से चाहते हैं वही व्यवहार हम दूसरों के साथ करना शुरू कर दें तो हमारा जीवन ही बदल जाएगा। इसलिए साहब कहते हैं कि अपने जो गलत विचार हैं, गलत चिंतन है, गलत सोच है, इसको दूर करने का प्रयास करो, और जब तक दूर नहीं करोगे तब तक सही अर्थ में आपको शांति नहीं मिल पाएगी, सही अर्थ में आपको सुख का अनुभव नहीं हो पाएगा। और संत जन हमेशा से यही प्रयास करते हैं, स्वयं वे मानसिक दुर्बुद्धि को दूर करते हैं, अपने गलत विचारों को दूर करते हैं और इसी की सीख समाज को देते हैं। जब दो लोग मिलते हैं आपस में तो कुशल मंगल पूछ लेते हैं, व्यवहारिक कुशल मंगल कि खेती कैसी रही इस साल की, या फिर बिजनेस में कितना फायदा कितना घाटा हुआ, थोड़ी व्यवहारिक चर्चा कर लेते हैं। लेकिन मानसिक चर्चा कि आप दुखी हैं कि सुखी हैं, जीवन कैसे बीत रहा है, इस पर कोई चर्चा नहीं होती है। इसकी चर्चा केवल संत जन करते हैं और कहते हैं कि जीवन को सुख से जियो। संत जन ये नहीं कहते हैं कि आप धन का अंबार लगा दो या धन खूब कमाओ, व्यवहार के लिए तो कमाना पड़ता है, जरूरी भी है, लेकिन खास बात है आध्यात्मिक शांति,
आध्यात्मिक प्रसन्नता, आध्यात्मिक सुख ये जीवन में होना जरूरी है। और ये तब आएगी, यह प्रसन्नता तब आएगी जब हमारे अंदर से दुर्बुद्धि, दुर्विचार ये सब दूर होंगे। साहब कहते हैं कि अपने विचार को देखो, अपने मन को देखो कि हमारे मन में क्या विचार चलते हैं, क्या सोच चलती है, क्या चिंतन चल रहे हैं, और यदि गलत चिंतन है तो उसको छोड़ने का प्रयास करो, और सही चिंतन है तो उसको और सोचो, सही दिशा में अपने मन को लगा करके रखो। साहब कहते हैं अच्छा जन्म बनाओ, ये नहीं कहते हैं कि घर को अच्छा बनाओ, मकान को अच्छा बनाओ, या फिर दुकान को बढ़िया सजाओ, गाड़ी घोड़ा बढ़िया से होना चाहिए, साहब ये नहीं कहते हैं। जीवन को अच्छा बनाना है। जीवन को अच्छा बनाने का मतलब शरीर को सजाने या संवारना नहीं है, जीवन को अच्छा बनाने का मतलब है अपने मन को अच्छा बनाना। और जिनका मन अच्छा हो गया, भले ही वो सामान्य कपड़ा पहना हो, समझिए कि उससे सुखी और संतुष्ट व्यक्ति और उससे धनी व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। साहब कहते हैं काग गौन गति छाड़ के हंस गौन चली आओ, कौवे की चाल को छोड़ करके हंस की चाल अपनाना चाहिए। कौवे की चाल क्या है? कौवा संदेही होता है और हमेशा गलत चीज खाता है, लेकिन हंस मोती चूकता है। और कौवा गलत जगह में रहता है, मतलब जहाँ पर गंदगी है, जहाँ जानवर मरे हुए हैं, उसी के आसपास उसे पाएंगे। लेकिन हंस मानसरोवर में रहता है, नीर छीर करता है, अर्थात पानी और दूध मिला हो तो दूध को ले लेता है और पानी को छोड़ देता है। यह हंस की विशेषता है। इसी प्रकार संसार में बहुत सारी वाणियाँ हैं, रोचक, भयानक, यथार्थ। इस पर विचार करें और सार को ग्रहण करें, असार का त्याग करें। सार को यदि हम ग्रहण करते हैं, असार का त्याग करते हैं, तो हमारा जीवन सही अर्थ में सुखमय, शांतिमय हो सकता है। कहीं से बात हम सुने तो ज्यों का त्यों न मान लें, बल्कि विचार करें, चिंतन मनन करें कि ये बात सही है कि गलत है। इस प्रकार से हम विचार करते हैं तो हम सही अर्थ में सही ज्ञान हमें हो सकता है। नहीं तो दुनिया में बहुत सारी कथा हो रही है, लोग अपनी बात कह रहे हैं और लोगों को परोस रहे हैं, बात समझ में नहीं आती है कि कौन बात सही है और कौन बात गलत है। लेकिन यदि हमारे अंदर परख है, विचार है, सोच कर चिंतन मनन करते हैं तो सही बात सामने आती है। तो मैं आप सबके बीच सद्गुरु कबीर साहब की एक साखी पर थोड़ी देर निवेदन करने का प्रयास किया। सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गौन गति छाड़ के हंस गौन चली आओ। बस इतना ही कहकर अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। बोलिए सद्गुरु देव की जय। जो आप लोगों को सूचना दी गई है उसका पालन करेंगे साहेब जी द्वारा। आइए आगे विचारों की कड़ी में हम निवेदन करते हैं हमारे साथी संत श्री सुधीर साहिब जी उर्फ कोमल साहिब जी से। आप अपने गहन गंभीर विचारों से हम लोगों को 15 मिनट लाभान्वित करने की कृपा करें। संत श्री कोमल साहिब जी। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। मेरे हृदय आंगन में विराजमान मेरे आराध्य मेरे सद्गुरुदेव जी, मंच में उपस्थित समस्त संत गुरुजन, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमय माताओं, ईश्वर सुंदर के नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, त्रिदेशी कवि सत्संग समारोह का आज तीसरा दिन और तीसरे दिन की पहली सभा प्रारंभ हो चुकी है। इस अवसर पर मुझे भी कुछ कहने की आज्ञा हुई है, इसलिए कुछ देर आपके समक्ष कुछ निवेदन करने का प्रयास कर रहा हूँ। ये ज्ञान यज्ञ है जिसे हम सत्संग कहते हैं।
आप सब बहुत वर्षों से, बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, क्योंकि अभी आप तीन लोग हैं, लेकिन भजन भी गा देंगे। सत्संग करने के पूर्व हमें यह विचार करना है, उनसे नहीं अपने गा देंगे। सत्संग सुनने और सत्संग करने की योग्यता आई है कि नहीं आई है, क्योंकि जब तक हम सत्संग करने योग्य होते नहीं हैं, बनते नहीं हैं, अर्थात हमारी भूमिका तैयार नहीं होती है, तब तक सत्संग का असर भी होता नहीं है। आप भोजन बनाने चलते हैं तो यूं ही आप चावल और सब्जी को लेकर बना लेते हैं, नहीं बनाते, उसके लिए पूर्व तैयारी होती है। आप आग जलाते हैं, बर्तन लाते हैं, सारी सामग्री इकट्ठा करते हैं और सब चीज तैयार हो जाता है, तब भोजन बनने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। भोजन बनाने में टाइम नहीं लगता है, भोजन तो आदमी आधा से एक घंटा में बना लेता है, लेकिन भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है, जो तैयारी होती है, वो दो घंटे लग जाते हैं। सिम ऐसे ही अब किसान, और यही एक कारण है कि हमारे जीवन में सत्संग का रस कभी घुलता नहीं है और सत्संग का रस कभी मिलता नहीं है। इसलिए मन को पवित्र करके आए, मन को खाली करके आए। अगर मन खाली है, आप गंगा गए होंगे ना, यहां से आता है, बहुत लोग गंगा दर्शन करने के लिए गए हैं और वहां से गंगा जल लेकर के आए होंगे, लेकिन आप उतना ही गंगा जल लेकर के आए होंगे जितना बड़ा आपका पात्र होगा। अगर पात्र ही गंदा होगा तो भी उसमें गंगा जल रहने वाला नहीं है। इसी प्रकार से अंतःकरण रूपी पात्र आपका पवित्र हो और खाली हो, अगर ये दो भूमिका तैयार हो गई, मेरी गारंटी है इस साल जरूर आप इस गंगा यज्ञ से, आप ये महायज्ञ से आप प्रसाद लेकर के आप अपने घर में पहुंच जाएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूं। बोलिए सतगुरु देव की जय। जलपान करके आए हैं, थोड़ा जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की, सतगुरु अविलास साहेब की। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग, हमारे साथी संत श्री से सुन रहे थे कि अहंकार जीवन के लिए बहुत खतरनाक होता है। आपने सुना होगा कि अहंकार में तीन गए, धन जौवन और वंश, और ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। बहुत सुंदर विचार हम लोगों ने भी सुने।